एक मध्यम वर्गीय परिवार का मकान दिल्ली। अरे कितना सोते हो तुम सब, जल्दी से उठ जाओ, अभी तक सोए हो क्या बच्चों? सुबह के 8 बज गए हैं। लगभग चिल्लाते हुए मिसेस शर्मा ने किचन से अपने बच्चों को जगाते हुए आवाज लगाई। किचन के बाहर ही डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर पर उनके पति मिस्टर शर्मा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी मिसेस शर्मा किचन से बाहर आई और अपने पति को उनका नाश्ता सर्व करते हुए बोली, देखिए ना, ये बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे हैं और आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज साइना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और कितना काम है घर में, लेकिन बच्चे हैं कि उठ ही नहीं रहे। परेशान होती हुई मिसेस शर्मा बोली। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर भी मिस्टर शर्मा काफी सहजता से अपनी पत्नी को समझाती हुए बोले, अरे क्यों परेशान हो रही हो तुम, उन लोगों को आने में अभी काफी टाइम है। मेरी बात हुई है पंडित जी से, दोपहर 2 से 3 बजे तक आएंगे लड़के वाले। शर्मा जी अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें जरा जरा सी बात पर परेशान होने की आदत है, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन फिर भी मिसेस शर्मा के चेहरे पर उभरी हुई चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी उसी तरह से चिंतित होते हुए बोली, बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है, सुना है बहुत ही बड़े अमीर और नामी लोग हैं, कहीं मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। कोई कमी नहीं रहेगी, तुम चिंता मत करो, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बेटी का रिश्ता जहां भी हो वो बस हमेशा खुश रहे। मिस्टर शर्मा फिर से अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हुए बोले। अब आते हैं फैमिली इंट्रोडक्शन पर। एक मध्यम आकार के पुश्तैनी मकान में मिस्टर शर्मा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। मिस्टर शर्मा यानी कि मिस्टर सुरेश शर्मा की एक छोटी सी खुशहाल फैमिली है, जिसमें उनकी पत्नी मिसेस रोहिणी शर्मा और उन दोनों के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी साइना शर्मा, जिसे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, उसके बाद छोटी बेटी राइमा शर्मा और फिर सबसे छोटा बेटा आरव शर्मा। कुल मिलाकर 5 लोग थे शर्मा फैमिली में। राइमा और आरव दोनों ही अभी पढ़ रहे थे। पिछले साल ही साइना ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई ढंग की और अपनी पसंद की जॉब अभी तक मिल नहीं रही थी। लेकिन उसके माता पिता के उसके लिए अलग ही प्लान्स थे। साइना के माता पिता उसके लिए अब एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे और आज बहुत ही अच्छे खानदान से साइना के लिए सामने से रिश्ता आया था। आज से पहले भी साइना के लिए एक दो रिश्ते आए थे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई और आगे भी नहीं बढ़ी। शेखावत परिवार ने साइना की तस्वीर देखकर खुद ही उसे पसंद किया था और देखने आने का फैसला भी। साइना से उसकी माता पिता जब भी शादी के लिए बात करते थे तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपनी शादी की बात टालने की कोशिश करती थी। वो हमेशा कहती थी कि इतनी जल्दी भी क्या है, उसे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी और उस वजह से साइना को अभी तो क्या, बाद में भी कभी किसी से भी शादी नहीं करनी थी। लेकिन ये बात वो अपने माता पिता को नहीं समझा सकती थी, क्योंकि फिर उसे वो वजह भी बतानी पड़ती और शादी ना करने का कारण वो अपने माता पिता को बता नहीं सकती थी। शादी ब्याह के मामले में लड़की की तो वैसे भी कहां चलती है, उसके घर वालों और अपने माता पिता के सामने। उसके मना करने के बाद भी उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था और जिन लोगों को साइना की तस्वीर पसंद आई थी वो लोग आज दोपहर 3 बजे तक साइना को देखने आने वाले थे और ये बात उसकी माँ ने उसे कल रात ही बता दी थी। साइना की माँ सारी तैयारियों में लगी थी
और काम करते करते उन्होंने एक बार फिर से आवाज दी साइना और राइमा को उठाने के लिए। साइना अब तक जाग चुकी थी और आंखें खोले हुए अपने बिस्तर पर ही लेटी थी, या फिर शायद उसे सारी रात ठीक से नींद ही नहीं आई थी। राइमा अभी भी सो रही थी। अपनी माँ की दोबारा आवाज सुनकर साइना अपनी जगह से उठी और अपनी तकिए के नीचे रखी डायरी निकालकर अलमारी में रखने लगी और राइमा को उठाने के लिए बोलकर खुद बाथरूम में चली गई। और फिर नहा धोकर वो अपने कमरे से निकलकर नीचे किचन में आ गई और बिना कुछ बोले ही काम में अपनी माँ की मदद करने लगी। उसकी माँ उसे देखकर बोली, अरे उठ गई तू, लेकिन तेरे भाई बहन कहाँ है, वो नहीं उठे क्या अभी तक? राइमा तो सो रही थी माँ, उठाकर आई हूँ उसे, और आरव का पता नहीं, साइना अपनी माँ से बोली और फिर से काम में लग गई। थोड़ी देर बाद राइमा और आरव भी उठ गए और नाश्ता करने के लिए अपने पिता के साथ ही डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर आकर बैठ गए। साइना ने उन दोनों को नाश्ता सर्व किया और वापस किचन में जाने लगी, तब भी उसके पिता उससे बोले, कहाँ जा रही है बेटा, तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का। इतना बोलकर साइना वापस किचन के अंदर जाने लगी, तब भी राइमा उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती चेयर पर बिठाते हुए बोली, अरे कर लो ना दीदी नाश्ता, नहीं तो सारा दिन टाइम नहीं मिलना आज वैसे भी। उन सबकी बात सुनकर उनका मन रखने के लिए साइना ने उन सबके साथ बैठकर थोड़ा बहुत खा लिया और फिर सबकी प्लेट समेट कर किचन में चली गई। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है, वो खोई खोई सी लग रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उसकी माँ ने शायद उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नाश्ते की प्लेट्स उसके हाथ से लेती हुई बोली, ये सब काम छोड़ आज तू, मैं और राइमा कर लेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदलकर अच्छी तरह से तैयार हो जाना दोपहर 2 बजे तक। कपड़े क्यों बदलने हैं, क्या खराबी है इन कपड़ों में, ये भी ठीक तो है ना माँ, और तैयार क्या होना? अपनी माँ की बात सुनकर साइना थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, ठीक नहीं अच्छा होना चाहिए, बहस मत करो और जाकर कोई नया सूट पहनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, साइना की माँ इस बार थोड़ी सख्ती से बोली। अपनी माँ की बातें सुनकर साइना समझ गई कि अपनी माँ से इस वक्त बहस करना और कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि वो नहीं समझेगी और उसे तैयार करवा कर ही मानेगी। इसीलिए साइना बिना कुछ कहे ही वहां से काम छोड़कर सीधे ही अपने कमरे में आ गई और उसका मन तैयार होने का तो बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और घड़ी की तरफ देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। टाइम देखकर साइना ने सोचा कि अभी तो काफी टाइम है, बाद में रेडी हो जाऊंगी बॉम के हिसाब से, और इतना सोचकर वो अपने बेड पर बैठ गई और ना जाने किन ख्यालों में खो गई। उसकी बहन माँ के साथ घर के कामों और साफ सफाई में लगी हुई थी और पापा मार्केट से कुछ सामान लेने बाहर गए हुए थे। कुल मिलाकर मेहमानों के आने की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी काम पूरी तरह से खत्म होते होते दोपहर के 1:45 बज गए। साइना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई, साइना बेटा तैयार नहीं हुई क्या अभी तक, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वालों के आने का वक्त हो रहा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर साइना जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो और एकदम से अपनी माँ को जवाब देते हुए बोली, हाँ माँ तैयार हो गई मैं, बस 5 मिनट और। जरा जल्दी कर बेटा, माँ की आवाज फिर से आई। अपनी माँ की आवाज सुनकर साइना बेड से उठी और उसने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले और फिर बेमन से चेंज करने वॉशरूम में चली गई। फिर कपड़े चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने बैठ गई। जब 10 मिनट बीत गए
और साइना अपने कमरे से नीचे नहीं आई तो साइना की माँ ने राइमा से कहा, जा जरा जाकर अपनी दीदी को देख कर आ, तैयार हुई या नहीं ये लड़की अभी तक। ठीक है माँ, मैं देख के आती हूँ। इतना बोलकर राइमा साइना को देखने उसके कमरे में चली गई। राइमा जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि साइना सिर्फ कपड़े चेंज करके खोई हुई सी मिरर के सामने बैठी हुई अपने बाल सवार रही थी। तभी अब तो आप नहीं बच सकती दी, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हो, आपकी होने वाली जीजू तो बस देखते ही रह जाएंगे और फिर वो और उनकी फैमिली शादी के लिए हाँ बोल कर ही जाएगी। चुप कर तू राइमा की बच्ची, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू, और ज्यादा बोलेगी ना तो मम्मी पापा से बोल दूंगी कि तेरी शादी के लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। साइना उसे हंसते हुए और प्यार से धमकाते हुए बोली, अरे नहीं दी, सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी शादी कहाँ अभी? अभी तो आपकी शादी होनी है, मेरी तो अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी मैं तो अभी छोटी हूँ ना। राइमा साइना की बात पर डरने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब तो ज्यादा बातें ना बना, नहीं बोल रही हूँ कुछ भी मम्मी पापा से, बड़ी छोटी सब दिख रहा है मुझे, बातों में तो तुम मेरी भी अम्मा है, और अब नीचे चलते हैं नहीं तो मामा चिल्लाएंगी, साइना बोली। ठीक है दी, चलते हैं, राइमा ने कहा और वो दोनों बहनें इसी तरह आपस में हंसी मजाक और बातें करती हुई साइना के कमरे से निकलकर नीचे किचन में आ गई।
आज राजवीर के लिए लड़की देखने चलना है, सब लोग टाइम से तैयार हो जाना। आर्यन तो यहाँ है नहीं, इसलिए बाकी बचे चारों लोग लड़की देखने के लिए जाने वाले थे और मिसेस शेखावत ने सुबह से बोल बोल कर आखिर सबको वक्त पर तैयार कर ही दिया था। राजवीर का कोई भी लड़की देखने जाने का या फिर शादी करने का भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसके परिवार वाले रोज किसी न किसी लड़की की फोटो दिखाकर उससे उसके मन की बात पूछते रहते थे और उस पर शादी के लिए पिछले एक साल से कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहे थे। और अपने परिवार वालों की इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर एक दिन राजवीर ने गुस्से में अपनी माँ से बोल दिया कि उसे नहीं करनी है ये शादीवादी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो मिसेस शेखावत के सारे अरमान ही मिट्टी में मिल जाने की नौबत आने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और हर तरीके से राजवीर को समझाती रही और साथ ही शादी के लिए भी मनाती रही। राजवीर उनकी बातें समझा तो नहीं, लेकिन अपने घर वालों की बात मानकर उसने बिना सायना की तस्वीर ध्यान से देखे आखिर उसके लिए हाँ कर दी थी, सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ये रोज रोज का तमाशा और रोज ही उसे परेशान करना बंद कर दे। और इसीलिए आज अपने परिवार वालों की बात मानकर ही राजवीर उनके साथ लड़की देखने जा रहा था। नहीं तो राजवीर की माँ ने आज से पहले भी उसके लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता था या फिर टाल देता था। वो इस बार बेमन से ही सही, लेकिन राजवीर ने जाने के लिए हाँ कर दी थी और उसकी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रविवार दोपहर को जाने का प्लान था। राजवीर के घर वालों ने लड़की की तस्वीर देखी थी और साइना उन सभी को एक नजर में ही भाग गई थी, खास करके राजवीर की माँ को। राजवीर ने तो साइना की तस्वीरें एक बार भी ठीक से नहीं देखी थी और बिना देखे ही हाँ बोल दिया था जाने के लिए। राजवीर अपने माता पिता और बहन के साथ लगभग 2 बजे शेखावत मैंशन से अपने कार में बैठकर निकल गया शर्मा हाउस में। साइना और रायमा दोनों जैसे ही कमरे से उतरकर किचन में आई, रोहिणी जी ने साइना से कहा, तैयार हो गई ना तू ठीक से? वो लोग आने ही वाले हैं, बस किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ माँ, देखो ना नया सूट भी तो पहन लिया आपके कहने से। साइना अपनी माँ की बात पर बेमन से बोली, बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची, बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। साइना की माँ उसे कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली। तब भी उनके घर की डोरबेल बजी और साइना के पापा जो कि बाहर हॉल में ही बैठे थे, उन्होंने दरवाजा खोला। डोरबेल की आवाज सुनकर साइना की माँ ने कहा, वो लोग आ गए हैं शायद, तुम दोनों अभी यहीं रुकना, मैं देखकर आती हूँ। इतना बोलकर साइना की माँ पानी के ग्लास की ट्रे लेकर हॉल में चली गई और अपनी माँ के जाते ही रायमा किचन से झांक कर बाहर हॉल में देखने लगी। साइना के पिता नमस्ते करते हुए सभी को हॉल में पड़े सोफे पर बैठा रहे थे और साइना का भाई आरव वही किनारे खड़ा हुआ सबसे नमस्ते कर रहा था। और तभी साइना की माँ पानी की ट्रे लेकर हॉल में पहुंची और नमस्ते करते हुए सभी को पानी का ग्लास देने लगी। सभी को पानी देने के बाद साइना की माँ वापस किचन में आ जाती है, सभी के लिए नाश्ते का इंतजाम करने लगती है और फिर हॉल में ही उन सभी के लिए नाश्ता लगवाती है। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी राजवीर की माँ कहती है, आपकी बेटी साइना कहाँ है? हम उसे ही तो देखने आए हैं, जरा बुलाइए तो उसे। हाँ बस आ रही है आप सभी के लिए चाय लेकर, साइना की माँ हंसते हुए बोलती है और फिर रायमा को इशारा करती है कि वो साइना को लेकर सबके सामने आए। फिर थोड़ी देर बाद साइना अपनी बहन रायमा के साथ बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में हाथों में चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आती है और सबको नमस्ते करके चुपचाप सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। साइना जब आती है तो राजवीर उसको बस एक बार नजर उठाकर देखता है और देखता है तो नोटिस करता है कि उसका सुंदर चेहरा कुछ उदास लग रहा है और उसकी आंखों में भी एक खालीपन है। उसे साइना काफी खोई खोई सी लगती है।
इन सब के बावजूद वो मन में सोचता है कि देखने में तो सुंदर है लड़की, मगर इसके आगे वो कुछ भी नहीं सोचता और इधर उधर दूसरी तरफ देखने लगता है। राजवीर की माँ साइना से कुछ भी पूछती है तो साइना मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन उसने अभी तक एक बार भी ठीक से नजरें उठाकर राजवीर को नहीं देखा था, या फिर शायद वो देखना ही नहीं चाहती थी। राजवीर की माँ और बहन दोनों ही साइना से बात करने में लगी हुई थी और बाकी के लोग भी आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। इसी तरह आपस में कुछ देर बातचीत चलने के बाद दोनों परिवार एक दूसरे से बोलते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हमें भी मंजूर है। राजवीर के परिवार वालों को तो साइना की खूबसूरती और उसका स्वभाव दोनों ही पसंद आ जाते हैं, और साइना के माता पिता को राजवीर और उसके परिवार के साथ अपनी बेटी साइना का भविष्य एकदम सुखमय नजर आता है। इसीलिए दोनों परिवारों के पास तो ना करने की कोई वजह ही नहीं रह जाती है। तब भी उनके पिता बोलते हैं, एक बार बच्चों से भी तो उनकी मर्जी पूछ लेते हैं, आखिर शादी तो उन्हें ही करनी है आपस में। ये सुनकर साइना की माँ जब साइना की मर्जी जानने की नजर से उसकी तरफ देखती है तो साइना कुछ भी नहीं बोलती और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। और इस तरह से नजरें झुकाने का मतलब क्या होता है? वहां पर बैठा हर शख्स इसे लड़की की हाँ ही समझता है, और ऐसे अनजान लोगों के सामने आखिर साइना बोल भी क्या सकती थी? उससे उसकी मर्जी पूछना तो बस एक फॉर्मेलिटी अदा करना था, बाकी फैसला तो उसके घर वाले ले ही चुके थे उसके हक में। इसके बाद राजवीर की माँ जब उससे पूछती है क्या उसे लड़की पसंद है, तो अपनी माँ का सवाल सुनकर राजवीर अपने मन में सोचता है कि अगर उसने यहाँ पर मना कर दिया तो फिर किसी और जगह कोई और लड़की देखने जाना पड़ेगा और फिर से यही सब रिपीट होगा। तो ये सब सोचकर वो भी बोल देता है, जैसा आप लोग ठीक समझे। तो इतना सुनते ही दोनों परिवार खुश हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां देते हैं और गले मिलते हैं। संजना भी साइना को गले लगाकर कंग्रेचुलेशंस बोलती है। तो फिर अब जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो रिश्ता जोड़ने में भी देर नहीं करनी चाहिए, वीना जी राजवीर की माँ बोलती है। हाँ, मैं कल ही पंडित जी से पूछकर सगाई की तारीख निकलवाती हूँ, रोहिणी जी साइना की माँ ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, आप लोग सगाई का मुहूर्त निकलवा लीजिए और हमें बता दीजिएगा, मिस्टर शेखावत राजवीर के पापा बोले। वैसे इसी महीने सगाई की तारीख रखी जाए तो जल्दी तो नहीं हो जाएगी ना? पंडित जी ने इस महीने की 22 तारीख बताई थी, बहुत शुभ है किसी भी काम के लिए। अगर सभी उस तारीख के लिए राजी हो तो फिर वही तय कर लेते हैं, साइना के पापा बोले। हाँ 22 तारीख ठीक रहेगी सगाई के लिए, और शादी की तारीख सगाई के बाद तय कर लेंगे, मिस्टर शेखावत ने कहा। साइना अब तक उठकर अपने कमरे में चली गई थी और राजवीर भी ऑफिस की कॉल पर बिजी हो गया था। सगाई की तारीख तय करने के बाद साइना और राजवीर के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। आपस में बात करते हुए बोलते हैं, 15 दिन बाद ही है 22 तारीख, सब इंतजाम तो हो जाएंगे ना, काफी कम टाइम है तैयारी के लिए। अरे सब हो जाएगा समधी जी, चिंता मत करिए आप। वैसे अब हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर राजवीर के पिताजी सोफे से उठ गए और चलते वक्त उनकी पत्नी वीना जी साइना के माता पिता से बोली, वैसे आप लोग चाहें तो सगाई से पहले हमारे घर भी आ सकते हैं, कोई संकोच नहीं करिएगा, आपका अपना ही घर है अब शेखावत मैंशन भी। जी बिल्कुल आएंगे, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, साइना की माँ हाथ जोड़कर बोली। और फिर साइना के माता पिता राजवीर और उसके पूरे परिवार को दरवाजे तक छोड़ने गए। अपनी कार में बैठकर शेखावत परिवार वहाँ से चला जाता है और उन सबके वहाँ से जाते ही साइना की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है। कुछ देर बाद साइना अपने कमरे से निकलकर माँ के पास आती है और पूछती है, अब क्या हुआ माँ?
साइना को देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका माथा चूमते हुए बोलती है, बहुत किस्मत वाली है तू मेरी बच्ची, इतना अच्छा परिवार मिला है, सब लोग कितने अच्छे हैं। इतने ज्यादा अमीर और नामी होने के बाद भी पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं है किसी में भी। ये सुनकर साइना की छोटी बहन राइमा भी उसे गले लगाते हुए कॉन्ग्रेट्स दी बोलती है और साथ ही बोलती है, होने वाली जीजू तो बहुत ही हैंडसम है दी, और नेचर भी बहुत अच्छा है। यू आर सो लकी दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। साइना का भाई आरव इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाता क्योंकि वो छोटा है, लेकिन फिर भी अपनी दी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर गले लग जाता है। साइना उन सबको अपने लिए इतना खुश और इमोशनल देखकर कहती है, अरे क्या हुआ आप सबको, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही मेरी शादी है। शादी नहीं बेटा, लेकिन सगाई तो इसी महीने की 22 तारीख को तय हुई है ना, साइना के पापा बोले। क्या इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भी क्या थी आप लोगों को सगाई की डेट फिक्स करने की, वो भी पहली ही मीटिंग में। बहुत जल्दी है आप लोगों को मुझे इस घर से भगाने की और खुद से दूर करने की। इतना बोलकर साइना गुस्से में अपने कमरे में चली गई और उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, रिश्ता ही इतना अच्छा था कि इनकार करने की कोई वजह ही नहीं मिली, साइना के पापा उसे समझाते हुए बोले। लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि साइना अब तक अपने कमरे में जा चुकी थी। रहने दीजिए आप, कुछ नहीं हुआ है, लड़कियों को अपने परिवार से लगाव होता है इसीलिए जल्दी शादी के नाम से चिढ़ जाती हैं। ठीक हो जाएगी वो सुबह तक, साइना की माँ अपने पति को समझाते हुए बोली। उधर दूसरी तरफ साइना अपने कमरे के अंदर जाकर अलमारी से अपनी डायरी निकालकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कुछ सोचती है। अपने बेड पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही वो आज राजवीर के साथ तय हुए अपने इस नए रिश्ते और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रही थी। एपिसोड 3, एंगेजमेंट प्रिपरेशन। साइना उसी तरह उदास और नाराज आंखों में आंसू के साथ कुछ सोचते सोचते ही अपने कमरे में चली गई। उसकी बहन राइमा उसे रात के खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन साइना का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था इसीलिए उसने मना कर दिया। उधर दूसरी तरफ राजवीर के घर में भी उसकी शादी तय होने से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो था खुद राजवीर। साइना और राजवीर दोनों ही ये सगाई और शादी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए दोनों के अपने कारण थे जो कि वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते थे, और शायद बताकर भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि कोई नहीं था उनकी प्रॉब्लम सुनने और उसे समझने वाला। साइना और राजवीर दोनों के ही घरों में सगाई की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही थी। सिर्फ लड़का और लड़की को छोड़कर बाकी सब बहुत खुश थे। ये शादी पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज थी। साइना और राजवीर दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे, इसलिए आपस में बात करके भी वो एक दूसरे को शादी के लिए मना नहीं कर सकते थे क्योंकि पता नहीं था कि शादी ना करने की बात जानकर सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। सगाई से 3 दिन पहले साइना की माँ, पापा, बहन और भाई राजवीर के घर जाते हैं सगाई के लिए शगुन और दूल्हे के कपड़े लेकर, और साथ ही सगाई की रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बातचीत करने भी। साइना उस वक्त घर में अकेली थी इसीलिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया को कॉल लगाया। श्रेया उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी इसलिए साइना ने उसे अपने घर बुला लिया। कुछ देर बाद श्रेया साइना के घर आ गई और साइना ने उसे अपनी शादी तय होने वाली पूरी बात बता दी, और साथ ही ये भी कि वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स को क्या बोलकर मना करे। इतने दिनों से तो मैं अपनी शादी की बात कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती आ रही थी, लेकिन इस बार कोई भी बहाना काम नहीं आया, और सामने से लड़का और परिवार सब कुछ सही लग रहे हैं मम्मी पापा को, इसीलिए शादी पक्की हो गई है, और तो और सगाई तो इसी महीने की 22 तारीख को है, साइना परेशान सी बोलती जा रही थी।
और श्रेया उसकी परेशानी समझते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। सारी बातें सुनने के बाद श्रेया बोली, सबसे पहले तो मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सगाई और शादी तक बात पहुंच गई और मुझे अब आज पता चल रहा है। श्रेया यार, तू पागल है क्या? ये कोई वक्त है नाराज होने का? मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुझे ड्रामा सोच रहा है, साइना श्रेया पर गुस्सा करते हुए बोली। अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन तू इतना क्यों सोच रही है? देख, पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, और अब कभी ना कभी किसी ना किसी से तो तुझे शादी करनी ही है। तो फिर जब अंकल आंटी बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो एक बार भरोसा करके देख ले, श्रेया साइना को समझाते हुए बोली। यार श्रेया प्लीज, अब तू भी मत शुरू हो जाना मम्मी पापा और रायमा की तरह। तू तो सब कुछ जानती है ना कि क्यों मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, साइना बोली। लेकिन यार, जो हो गया उस वजह से अपना आने वाला कल बर्बाद कर देना कोई अकलमंदी तो नहीं है ना? आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, तेरी भी और मेरी भी। फिर भी अगर तू अभी मेंटली रेडी नहीं है तो मैं बात करूं एक बार आंटी से, श्रेया उसकी बात समझते हुए बोली। यार लेकिन जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, ठीक से मिली भी नहीं, सिर्फ एक बार ही देखा है, उससे सगाई और शादी, वो भी सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, साइना परेशान सी बेड पर बैठती हुई बोली। तो क्यों टेंशन ले रही है मेरी जान? मिलना है क्या तुझे मेरे होने वाले जीजू से? तो बस बोल तो एक बार, मैं इंतजाम करती हूँ ना मिलने का, श्रेया उसे छेड़ती हुई बोली। तू कभी नहीं सुधरेगी, मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? मुझे नहीं मिलना मिलना किसी से, रहने दे तू। वैसे भी आज मम्मी पापा गए हैं सगाई का शगुन लेकर, कुछ नहीं हो सकता, अब तो तय है मेरी सगाई और शादी होना, साइना बोली। मैं वैसे भी ये सब तुझे हंसाने के लिए मजाक कर रही थी, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब मेरी बेस्टी इतनी स्वीट है कि उसके साथ कुछ गलत कैसे कर सकते हैं भला गॉड जी, श्रेया साइना को साइड हक करते हुए बोली। हाँ, अब तक बहुत अच्छा किया है गॉड ने मेरे साथ, जो आगे अच्छा होगा रहने दे यार, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है अपनी आने वाली जिंदगी से, साइना कुछ सोचते हुए फिर से उदास हो गई और उदास होते हुए बोली। यार तुम क्यों बार बार उसी बारे में सोचकर उदास हो जाती है? जरूरी नहीं कि पहले एक बार बुरा हुआ हो तो हर बार ही तेरे साथ वैसा होगा, बी पॉजिटिव यार, श्रेया बोली। क्या करूं यार, कुछ वही तो यादें हैं मेरे पास सोचने को, बाकी तो और कुछ बचा नहीं, बोलते बोलते साइना की आंखों में आंसू आ गए। अरे यार चुप हो जा, इतनी देर से तुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि सैड हुए जा रही है बार बार, श्रेया मुंह बनाते हुए बोली। नहीं मैं ठीक हूँ, साइना श्रेया से बोली। दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में साइना और राजवीर दोनों के घर वाले शेखावत मैंशन के बड़े से शानदार हॉल के बीचों बीच पड़े सोफे पर आमने सामने बैठकर सगाई की रस्म डिस्कस कर रहे थे। कल आप साइना को हमारे साथ भेज देंगी? राजवीर की माँ ने साइना की माँ से पूछा। किस लिए? साइना की माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कि सगाई का लहंगा साइना की पसंद का होगा तो वो ज्यादा खुश होगी, और कल हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो सोचा उसे भी साथ लेते चले, राजवीर की माँ बोली। वो मैं भेज तो देती, लेकिन अभी वो आप लोगों से इतना घुली मिली नहीं है, इसीलिए अकेले आने में शायद उसे अजीब लगे और वो मना कर दे आने के लिए, साइना की माँ बहाना बनाते हुए बोली। हाँ मैं समझ सकती हूँ, अभी वो हम लोगों को जानती नहीं है, लेकिन आखिर उसे आना तो हमारे ही घर है ना, शेखावत परिवार की बहू बनकर। वैसे चाहे तो आप या रायमा भी उसके साथ आ सकती हैं कल हमारे साथ शॉपिंग पर, राजवीर की माँ बोली।
अरे नहीं, मैं कहाँ, मुझे तो बहुत काम निपटाने हैं सगाई से पहले। अब मैं साइना से पूछकर आपको फोन पर बता दूंगी। साइना और राइमा आ जाएंगी, साइना की माँ बोली। हाँ ये ठीक रहेगा, आप बता दीजिएगा कंफर्म करके तो मैं गाड़ी भिजवा दूंगी आपके घर, राजवीर की माँ मुस्कुराते हुए बोली। इसी तरह की थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद साइना के परिवार वाले शेखावत मैंशन से अपने घर वापस आ गए। श्रेया जब तक अपने घर वापस जा चुकी थी। साइना ने दरवाजा खोला, उसके घर वाले अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। साइना सबके लिए पानी लेने किचन में चली गई और फिर सबको पानी पिलाने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसका मन अभी भी कुछ उदास था। श्रेया से बात करके साइना को थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फिर से अपनी शादी और सगाई की बातें नहीं सुनना चाहती थी अपनी माँ के मुंह से, इसीलिए वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकते हुए कहा, रुक तो एक मिनट यहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ, जल्दी बोलिए। साइना बेमन से वहीं रुकते हुए और सोफे पर बैठती हुई बोली। पानी पीने के बाद साइना की माँ बोली, तेरी होने वाली सास ने कहा है कि कल सगाई का लहंगा खरीदने के लिए तुझे उनके साथ जाना है, क्योंकि वो चाहती है सगाई का लहंगा तेरी पसंद का हो। अरे माँ, तो आप बोल देते कि मैं कुछ भी पहन लूंगी, उनकी पसंद का भी। मुझे मन नहीं है बिल्कुल भी शॉपिंग वॉपिंग पर जाने का, किसी के भी साथ, साइना मुंह बनाती हुई बोली। हाँ मुझे पता था तो यही बोलेगी, इसीलिए पहले मैंने भी उन्हें टालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो तुझे अकेले नहीं ले जा रही, राइमा को भी साथ ले जाना, तो फिर मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, साइना की माँ बोली। हाँ अच्छा ठीक है, कब जाना है, साइना आखिर हार मानते हुए बोली। ओह वाव दी, आई एम सो एक्साइटेड, राइमा खुश होते हुए बोली। इसकी ये शादी कर दो माँ पहले, कुछ ज्यादा ही खुश और एक्साइटेड है ये, साइना राइमा की तरफ देखते हुए बोली। अरे दी, मैं तो आपके लिए खुश हूँ, आपके ससुराल होकर आए हैं अभी हम सब। पता है जितना बड़ा अपना घर है उतना बड़ा तो सिर्फ उनका हॉल है, राइमा साइना को बताने लगी। तो मैं क्या करूँ, वैसे भी घर नहीं दिल बड़े होने चाहिए लोगों के, बाकी चीजें मैटर नहीं करती मेरे लिए। अच्छा माँ, आप टाइम पूछ लेना उन लोगों से कि कल कितने बजे जाना है शॉपिंग के लिए, मैं रेडी हो जाऊंगी। इतना बोलकर साइना वहां से चली गई और उसकी माँ राजवीर की माँ को फोन करने लगी। उधर दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही साइना की माँ ने खुश होते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैंने साइना से बात कर ली है, वो और राइमा कल आ रही है आप लोगों के साथ, समय बता दीजिए, उसे रेडी भी होना होगा। अरे वाह, चलिए अच्छा है, अब हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी साइना की पसंद का लहंगा ढूंढने में, क्योंकि वो खुद ही पसंद कर लेगी। मैं कल दोपहर 1 बजे तक आपके घर गाड़ी भिजवा दूंगी, राजवीर की माँ ने बोला। हाँ ये ठीक रहेगा, नमस्ते, बोलकर साइना की माँ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और राजवीर की माँ ने भी। राजवीर की माँ साइना की माँ ने फोन पर बात करते ही जैसे कॉल डिस्कनेक्ट किया, उनकी नजर घर के अंदर आते हुए राजवीर पर पड़ी। उन्होंने राजवीर से कहा, राजवीर कल तुझे कोई जरूरी काम तो नहीं है ना ऑफिस में? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बिना अपनी माँ की तरफ देखे मोबाइल में ही लगे हुए राजवीर ने अपनी माँ से पूछा। 3 दिन बाद तेरी सगाई है बेटा, याद तो है ना तुझे, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे ले, काम तो हमेशा ही करता रहता है, राजवीर की माँ उसे ताना मारते हुए बोली। आप लोग भूलने दो तब ना, राजवीर धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए बोला, जिससे कि राजवीर की माँ सुन नहीं पाए और उससे पूछने लगी, कुछ कहा क्या तूने बेटा? अरे माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, बिल्कुल याद है, बोलिए क्या करना है कल, राजवीर ने बात बदलते हुए कहा। कल तुझे हमारे साथ शॉपिंग पर चलना है, तेरी होने वाली पत्नी और उसकी छोटी बहन भी हमारे साथ आ रही है, उसके लिए कपड़े जेवर और बाकी सगाई का जरूरी सामान खरीदना है, राजवीर की माँ ने कहा। हाँ तो माँ आप लोग चले जाइए ना, ये सब लेडीज शॉपिंग में मेरा भला क्या काम, मेरे कपड़े तो आ गए हैं ना, राजवीर बहाना बनाकर मना करते हुए बोला। अरे क्या लेडीज शॉपिंग,
कुछ तो तेरी भी पसंद का होना चाहिए ना तेरी बीवी के लिए। तू बस इतना बता, साथ आ रहा है या नहीं? राजवीर की माँ ने उससे पूछा। सॉरी माँ, कल मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। आप लोग ही चले जाओ कल शॉपिंग पर। और इतना बोलकर राजवीर मोबाइल से किसी को कॉल मिलाते हुए बाहर की तरफ चला गया। ये लड़का भी ना कभी मेरी बात नहीं मानता, हजार तो बहाने हैं इसके पास मेरी हर बात टालने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए हाँ की है इस लड़के ने। राजवीर की माँ वहीं पर खड़ी खड़ी खुद ही बोल रही थी कि तभी उनकी बेटी संजना पीछे से आकर उनकी दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ माँ, ऐसे अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बस तेरे भाई राजवीर ने परेशान कर रखा है मुझे, उसकी माँ बोली। अब क्या कर दिया भैया ने? संजना ने अपनी माँ से पूछा। कल शॉपिंग पर साथ चलने के लिए बोल रही थी मैं, तो उसने मना कर दिया, बोलता है कि उसकी कोई जरूरी मीटिंग है, उसकी माँ ने जवाब दिया। अब भैया ने बोला है तो होगा कोई जरूरी काम उनको, संजना अपनी माँ से बोली। हाँ शायद, लेकिन तू तो चल रही है ना कल मेरे साथ शॉपिंग पर, वीना जी संजना से पूछते हुए बोली। बिल्कुल हाँ माँ, ऑफ कोर्स साथ चलूंगी मैं, आखिर मेरे भाई की शादी है, संजना हंसते हुए बोली। एपिसोड 4 पास्ट मेमोरीज। अगली सुबह साइना रोज की ही तरह 8 बजे के बाद ही सोकर उठती है और नाश्ता करने से पहले किचन में आकर अपनी माँ की नाश्ता बनाने में हेल्प करने लगती है। ये सब साइना के लिए रोज का ही काम है, लेकिन आज एक बात अलग है, उसकी माँ ने उसे देर से सोकर उठने के लिए आज कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम चुप है, उनके पास दूसरी कोई और बात है ना आज बोलने के लिए। इसीलिए साइना जैसे ही किचन में आई, उसकी माँ उसे याद दिलाते हुए बोलने लगी। रहने दे तो आज ये सब, नाश्ता कर ले और जल्दी से तैयार हो जा। अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए साइना बोली, आज ऐसा क्या हो गया माँ, आज इतनी मेहरबानी क्यों मेरे ऊपर? मुझे पता था तुम भूल गई होगी, हमेशा से बेमन से करने वाली चीजें याद ही नहीं रहती तुझे, साइना की माँ बोली। क्या भूल गई मैं, क्या है आज? सगाई तो 2 दिन बाद है, इतना तो मुझे याद है, साइना थोड़ा सोचते हुए बोली। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, अभी कल ही से बोला था कि आज इसे अपनी होने वाली सास के साथ अपनी सगाई का लहंगा खरीदने जाना है और आज ये भूल गई, साइना की माँ अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली। आह ओहा, याद आया मुझे, मैं तो सच में भूल गई थी। वैसे कितने बजे तक जाना है माँ, आपने पूछ लिया था फोन करके, वैसे जरूरी है क्या जाना, मना नहीं कर सकती थी क्या माँ, साइना थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, क्यों मना करना है तुझे, तेरे लिए ही तो लहंगा खरीदने जा रहे हैं वो लोग, और सोच कि कितने अच्छे लोग हैं, सोच रहे हैं कि तुझे तेरी ही पसंद का ही लहंगा दिलाए, किसी और का पसंद किया हुआ तुझे बेमन से ना पहनना पड़े, साइना की मानियों से समझाते हुए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मना कर रही हूँ मैं, चली जाऊंगी, बस कितने बजे जाना है टाइम तो कंफर्म कर लेती ना माँ, साइना अपनी माँ की बात मानती हुई बोली। टाइम बताया था उन लोगों ने 12 बजे के बाद, गाड़ी भिजवा देंगे, तू और रायमा चली जाना, मैं भी पैसे दे दूंगी, और भी कुछ पसंद आ जाए तो खरीद लेना, साइना की माँ बोली। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है 12 बजने में, जब तक मैं नाश्ता बनवा लेती हूँ, साइना ने कहा। नाश्ता तैयार है, तू नाश्ता कर ले पहले और फिर तैयार हो जाना जाकर, नहीं तो पहले ही थक जाएगी तो शॉपिंग नहीं कर पाएगी, उसकी माँ ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और इतना बोलकर साइना वहां से चली गई। उसे पता था अगर वो वहीं पर रही तो उसकी माँ उसे शादी और सगाई की बातें ही करती रहेगी, और साइना का बार बार वही सब बातें सुनने का
बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए वो वहां से अपने कमरे में आ गई और उसने देखा कि अब तक उसकी बहन राइमा भी जाग गई थी और वॉशरूम में थी। साइना अपनी अलमारी से एक डायरी निकालकर उसमें रखी हुई एक फोटो देखने लगी। वो फोटो साइना के साथ किसी लड़के की थी और साइना उस फोटो पर हाथ फेर कर धीमी आवाज में बोली, देखना अमन, मेरी सगाई है आज से 2 दिन बाद। वो सब सपने जो हम दोनों ने साथ मिलकर देखे थे, वो अब जबरदस्ती के रिश्ते में बंद कर मुझे किसी और के साथ पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और आज भी मैं तुम्हारी हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं दे पाऊंगी शायद। इतना बोलते बोलते ही साइना एकदम उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए कि तब भी राइमा वॉशरूम से निकलकर कमरे में आ गई और उसे देखते ही साइना ने वो डायरी जल्दी से तकिया के नीचे छिपा दी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उठ गई तू राइमा, जा नीचे जाकर नाश्ता कर ले, नहीं तो माँ को लगेगा कि तू अभी तक सोई हुई है। हाँ दी, जाती हूँ। इतना बोलकर राइमा ने जैसे ही साइना के चेहरे की तरफ देखा तो उसने साइना के आंसू देख लिए और उसके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ दी आपको, आप रो क्यों रही हैं? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। साइना अपने आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, सच में कुछ नहीं हुआ ना दी, अगर कोई बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आपको पता है ना, I'm always here for you। राइमा उसे उदास देखकर बोली, हाँ पता है मेरी माँ, अब तू ज्यादा बातें मत बना और नीचे जाकर नाश्ता कर ले। माँ मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि थोड़ी देर में आ रही हूँ नाश्ता करने। साइना बात टालने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और आप भी जल्दी आना। इतना बोलकर राइमा वहां से चली गई और उसकी वहां से जाती ही साइना ने तकिए के नीचे छिपाई हुई वो डायरी फिर से निकाल ली और उसमें लिखे हुए एक पन्ने को खोल कर पढ़ने लगी, अधूरी सी ये जिंदगी ना जाने क्यों पूरी सी लगती है, बस एक तेरे आ जाने से। और वो लाइन पढ़कर साइना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से उदास हो जाती है और उस डायरी में लिखे लफ्जों से शिकायत करते हुए कहती है, ना जाने क्यों कुछ दिनों के लिए आए थे तुम मेरी जिंदगी में, जब छोड़कर जाना ही था तो कुछ दिनों के लिए तो पूरे हो गए थे हम, लेकिन अभी सारी उम्र का अधूरापन झेला नहीं जाता। इसी तरह से उन बीती यादों को याद करने में कब 1 घंटा बीत गया साइना को पता ही नहीं चला। वो उन यादों में इस कदर खो गई थी कि उसने अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब आरव साइना को नाश्ते के लिए बुलाने आया तो साइना ने मन नहीं बोलकर उसे वापस भेज दिया और फिर घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज चुके थे। साइना उठी और शॉपिंग पर जाने के लिए बेमन से रेडी होने के लिए चली गई और फिर तैयार होकर नीचे पहुंची। उसे देखकर राइमा बोल पड़ी, इट्स नॉट फेयर दीदी, आई नो आपकी सगाई है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पहले रेडी कैसे हो गई शॉपिंग पर जाने के लिए? मुझे आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट है और हम दोनों को साथ में ही जाना है। बस कर मिस नौटंकी, अभी टाइम है, तू भी जाकर रेडी हो जा, साइना उससे बोली। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आई। इतना बोलकर राइमा तैयार होने के लिए जाने लगी तब भी आरव बोला, 10 मिनट में रेडी और ये नाइस जोक। आरव की बात सुनकर साइना भी हंसने लगी और राइमा अपनी माँ से शिकायत करते हुए बोली, माँ देखिए इस आरव के बच्चे को, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। सच्ची तो बोल रहा हूँ मैं, 4 घंटा लगता है तुम्हें रेडी होने में, आरव बोला। बस करो तुम दोनों, अब
राइमा तू जाकर तैयार हो जा, नहीं तो जा नहीं पाएगी अपनी दी के साथ शॉपिंग पर। राइमा की माँ उससे बोली, माँ आप भी? और इतना बोलकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। शेखावत मैंशन, जल्दी करो संजू, नहीं तो लेट हो जाएंगे। संजना की माँ अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसे आवाज लगाती हुई बोली, मैं रेडी हूँ माँ, चलिए चलते हैं। संजना भी वहाँ पर आ गई और वो दोनों माँ बेटी अपनी कार में आकर बैठ गई। ड्राइवर को साइना के घर चलने के लिए बोल दिया। पहले तो आप सिर्फ गाड़ी भिजवाने वाली थी ना माँ, फिर ये कब डिसाइड किया कि हम लोग ही साइना भाभी को लेने उनके घर चलेंगे? संजना ने कार में बैठे हुए अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा जा तो रही हैं, तो होने वाली बहू को ऐसे अकेले गाड़ी भेजकर बुलवाना ठीक नहीं रहेगा शायद। वीना जी ने संजना के सवाल का जवाब दिया। अच्छा ये बात थी, ठीक ही सोचा वैसे आपने, संजना बोली। और फिर एक घंटे बाद वो दोनों साइना के घर पहुंच गई और साइना और राइमा को अपने साथ लेकर वहां से शहर के एक बड़े से मॉल में आ गई। राइमा और संजना तो आपस में बातें कर रही थी, लेकिन साइना चुपचाप कार की खिड़की के पास बैठी गाड़ी से बाहर ही देख रही थी। वो शायद अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी मॉल के पार्किंग एरिया में उनकी कार रुकी और कार के रुकते ही एक एक करके साइना को छोड़ के बाकी तीनों ही कार से उतर गई। केवल साइना अभी भी पहले की ही तरह बैठी हुई थी। उसे शायद पता ही नहीं चला था कि कार रुक गई है और वो लोग मॉल में पहुंच चुकी हैं। राइमा ने जब उसे आवाज दी तब उससे होश आया और वो इस तरह से चौंकी जैसे कि किसी गहरी सोच से बाहर आई हो। दी, दी, कार में ही रहने का इरादा है क्या आपका? राइमा कार से उतरकर अंदर बैठी साइना को झांक कर देखते हुए बोली, हाँ भाभी हम मॉल में पहुंच गए हैं। संजना भी साइना का ध्यान अपनी तरफ करती हुई बोली। संजना के भाभी बोलने पर साइना, राइमा और उसकी माँ तीनों ही उसे घूर कर देखने लगी तो संजना बात बदलते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है होने वाली भाभी, चलिए भी अब। और इतना बोलकर वो हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर राइमा भी हंसने लगी, लेकिन साइना वैसे ही बुझे हुए मन उदास चेहरे के साथ बिना कुछ बोले कार से बाहर निकली और उन सभी के साथ चलने लगी। उसके बाद वो चारों उस मॉल में बने एक बहुत बड़े लेडीज कपड़ों के डिजाइनर शोरूम में आ गई। संजना और उसकी माँ वीना जी तो अक्सर शॉप में आती रहती थी, लेकिन साइना और राइमा पहली बार वहां आई थी। वो शोरूम बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर बना हुआ था। पूरे शोरूम में एक से एक सुंदर और डिजाइनर कपड़े थे और कोनों में मैनिक्विंस पर भी डिजाइनर लहंगे और गाउन सजे हुए थे। राइमा तो चारों तरफ से घूम घूम कर हैरानी से उस जगह को देख रही थी, लेकिन साइना को उस जगह में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो एक चेयर पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी संजना उसके बगल में बैठती हुई बोली, आपको कौन सा कलर पसंद है? संजना का सवाल सुनकर साइना थोड़ी सोच में पड़ गई और एक आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है, हमेशा यही रंग पहना करो। इतना सोचकर साइना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, रेड कलर मेरा फेवरेट है। वाओ, रेड कलर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आप पर तो और भी अच्छा लगेगा, संजना भी खुश होते हुए बोली। तभी शॉप का मैनेजर अपने स्टाफ को उन सभी को अटेंड करने को बोलने लगा और खुद वीना जी के सामने आकर बोला, हेलो मिसेस शेखावत, आई एम ग्रेटफुल टू सी यू हियर अगेन, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमारी होने वाली बहू के लिए यहाँ का सबसे सुंदर लहंगा दिखाओ, दो दिन बाद हमारे बेटे की सगाई है, वीना जी एकदम जोरदार आवाज में उस मैनेजर से बोली। और वो मैनेजर उनकी बात सुनकर, ओके मैम,
बोलकर वहां से चला गया और तीन से चार सेल्स गर्ल्स आकर कुछ गोल्डन और लाइट पिंक कलर के लहंगे उन सभी को दिखाने लगी। तभी लहंगे के कलर देखकर संजना बोल पड़ी, ये सब कलर्स रहने दो, मेरी होने वाली भाभी को तो रेड कलर पसंद है, उस कलर में ही दिखाइए कुछ। लेकिन ये सारे भी तो इतने अच्छे कलर्स और डिजाइन्स हैं, एक बार देख लो ना दी, राइमा बोली। हाँ अच्छे तो हैं ये सारे भी, साइना एक सरसरी नजर उन सभी लहंगों पर डालती हुई बोली। तुम्हें पसंद है बेटा इनमें से कोई, तो तुम अपने पहनने के लिए लो हमारी तरफ से तोहफा समझकर, वीना जी राइमा से बोली। अरे नहीं आंटी, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दी के लिए ही बोल रही थी, राइमा मना करती हुई बोली। अरे नहीं बेटा, शर्माओ नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं अदा करना है यहाँ पर, तुम भी तो मेरे लिए मेरी संजना जैसी हो। अच्छा ठीक है, पहले अपनी दी के लिए फाइनल कर लो, फिर तुम दोनों अपने लिए भी देख लेना, वीना जी बोली। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, राइमा बोल ही रही थी कि संजना बीच में बोल पड़ी। डोंट बी सो शाय, अब मॉम इतना इंसिस्ट कर रही है तो ले लेना यार। ओके आंटी, लेकिन पहले दी का सिलेक्ट हो जाए, फिर देखती हूँ, राइमा उस वक्त बात को टालने के लिए बोली। तो राइमा बेटा, साइना के लिए ही सिलेक्ट करेंगे पहले, वीना जी मुस्कुराते हुए बोली और फिर सेल्स गर्ल से बोली, ये सारे कलर्स हटाओ और रेड कलर में ही दिखाओ। तुम्हें रेड कलर ही चाहिए ना बेटा, वीना जी साइना की तरफ देखकर उससे पूछते हुए बोली। नहीं कोई जरूरत भी नहीं है, ये भी अच्छा है, साइना बोली। थोड़ी देर काफी सारे डिजाइनर लहंगे देखने के बाद उन तीनों लड़कियों को साइना के सगाई में पहनने के लिए रेड और गोल्डन कलर का एक लहंगा पसंद आता है। वीना जी को भी वो लहंगा अच्छा लगता है और साइना के लिए वो लहंगा फाइनल कर लिया जाता है। सेल्स गर्ल साइना से कहती है, वो लहंगा ट्राई कर ले तो फिर फिटिंग हो जाएगी, और अगर कोई और इश्यू होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके भाभी, आप ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कर लो ये लहंगा, तब तक मैं और राइमा अपने लिए कुछ देखते हैं, संजना साइना की तरफ देखते हुए बोली। संजना की बात सुनकर राइमा बोल पड़ी, तुम देखो ना अपने लिए संजू, अब मैं दी के साथ ही जाती हूँ, उन्हें अगर कोई हेल्प चाहिए तो कोई तो होना चाहिए ना उनके साथ, वो सेल्स गर्ल है ना इतनी सारी यहाँ पर, उनमें से कोई चली जाएगी तुम्हारी दी के साथ, तुम अब ज्यादा नाटक मत करो, मॉम ने बोला है ना कि तुम भी एक ड्रेस ले लो, तो चलो अब देखो मेरे साथ ही अपने लिए भी, संजना राइमा को जाने से रोकते हुए बोली। उन दोनों की बात सुनकर साइना बात संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं राइमा, मैं मैनेज कर लूंगी, तू यही रुक जा संजना के साथ, और इतना बोलकर साइना वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, और संजना के बोलने पर एक सेल्स गर्ल भी साइना के साथ गई। वीना जी वहीं बैठी कुछ साड़ियां देख रही थी मेहमानों को तोहफे में देने के लिए। संजना और राइमा अपने लिए कई सारी ड्रेस, गाउन और लहंगा देख रही थी, लेकिन उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों लड़कियों ने, और दिखाओ ये कलर, वो डिजाइन, ये सब बोल बोल कर पूरे स्टाफ को परेशान कर चुकी थी। और फिर उसके काफी देर के बाद राइमा और संजना को भी अपने लिए एक एक ड्रेस पसंद आ जाती है। वीना जी को बताकर वो दोनों भी अपनी अपनी ड्रेस पहनकर देखने के लिए ट्रायल रूम की तरफ चली जाती हैं। तब तक वीना जी साइना के लिए अपनी पसंद का पिंक कलर का एक गाउन भी पैक करवा लेती हैं। उधर साइना अभी तक चेंजिंग रूम के अंदर अपना लहंगा पकड़ कर बैठी रहती है और किसी गहरी सोच में डूबी रहती है। तभी उसका फोन रिंग होता है और साइना मोबाइल की आवाज सुनकर एकदम से गहरी सोच से बाहर आती है, इधर उधर चारों तरफ अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगती है। तभी साइना का ध्यान अपने पर्स की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि वो तो ट्रायल रूम में है, और अपना फोन पर्स से निकालकर चेक करती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया का कॉल होता है।
वो कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हाँ बोल यार श्रेया। श्रेया कहती है, कहाँ है यार तू साइना, घर पर ही है क्या? साइना कहती है, नहीं यार घर पर तो नहीं हूँ, क्या हुआ? श्रेया कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस तेरे घर के पास तक आई थी काम से, तो सोचा कॉल करके पूछ लूँ तू घर पर ही हो तो आ जाती थोड़ी देर मिलने। वैसे तो है कहाँ? साइना कहती है, मैं बस यहाँ वी मॉल तक आई हूँ एंगेजमेंट की शॉपिंग करने। श्रेया कहती है, किसके साथ? साइना कहती है, राइमा संजना और वीना आंटी के साथ। श्रेया कहती है, कौन संजना और कौन वीना आंटी? साइना कहती है, अरे यार मेरे होने वाले इन-लॉज और कौन, उनके साथ ही तो आई हूँ यहाँ वी मॉल एंगेजमेंट के लिए लहंगे की शॉपिंग करने। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था यार, इन लोगों ने ही इंसिस्ट किया, फिर माँ ने भी बोला तो आना पड़ा। श्रेया कहती है, वाओ यार इतनी लकी है तू, इतने बड़े मॉल के शोरूम से एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करवा रहे हैं तेरे ससुराल वाले, तो सोच शादी के लिए तो मुंबई से डिजाइनर्स बुलवाएंगे। साइना कहती है, बस कर यार, इतने भी ज्यादा एक्साइटेड ना हो, तुझे पता है मुझे इन सब चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी जब शादी अपनी पसंद से नहीं हो रही तो उसमें पहनने वाले कपड़े अपनी पसंद के हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? श्रेया कहती है, यार तो हमेशा से ही ऐसी सैड होने वाली बातें क्यों करती है, थोड़ा अच्छा सोचा कर अपने लिए तो अच्छा होगा। वैसे मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूं ना तुझे, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ ही होंगे ना? चल मैं फोन रखती हूँ, वरना वो बोलेंगे कि इतनी देर से फोन पर ही बिजी है उनकी होने वाली बहू। साइना कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा कोई, क्योंकि मैं अभी ट्रायल रूम में हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। श्रेया कहती है, इसका मतलब लहंगा सिलेक्ट कर लिया है तूने, ट्राई किया, फिटिंग सही है, किस कलर का है, फोटो भेज मुझे अभी नहीं तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ। साइना कहती है, ट्राई नहीं किया अभी तक तो, वैसे रेड कलर का है, रुक जा 2 मिनट पहन लेती हूँ फिर वीडियो कॉल करना। श्रेया कहती है, तुझे तो रेड कलर वैसे ही पसंद है ना? साइना कहती है, मुझे भी पसंद है और उसे भी पसंद था। इतना बोलने से ही साइना की आवाज में उदासी साफ सुनाई देने लगती है। तभी श्रेया बात बदलने के लिए बोल पड़ती है, अच्छा ठीक है जल्दी से पहन, मुझे भी देखना है लहंगा, मैं वीडियो कॉल करती हूँ 2 मिनट में। ओके साइना कहती है, ओके। और इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके साइना लहंगा पहनकर शीशे में खुद को देखने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर श्रेया का वीडियो कॉल आ जाता है और वो उसे रिसीव करके अपना लहंगा श्रेया को दिखाने लगती है। Oh, wow! This is so pretty! श्रेया वीडियो कॉल पर लहंगा देखकर बोलती है, लहंगा सच में बहुत ज्यादा ही सुंदर था, साथ ही फिटिंग भी सही थी। और तब भी बाहर खड़ी सेल्स गर्ल ने साइना का डोर नॉक करके पूछा, हेलो मैम सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, फिटिंग भी ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं बस आती हूँ। साइना ने जवाब दिया। क्या हुआ यार, कोई बुला रहा है क्या? श्रेया ने वीडियो कॉल पर ही पूछा। नहीं यार काफी देर से ट्रायल रूम में हूँ ना, तो स्टाफ की एक लड़की पूछ रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा अब बाय, बाद में बात करती हूँ घर जाकर, साइना ने श्रेया से कहा। ओके बाय, वैसे लहंगा बहुत मस्त है तेरा। और इतना बोलकर श्रेया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रेया से बात करने के बाद साइना ने भी अपना मोबाइल अपने पर्स में रखा और ट्रायल रूम से वापस शोरूम में डेस्क के पास आ गई। उसे देखकर वीना जी उसे पूछने लगी,
फिटिंग और बाकी सब ठीक था ना लहंगे में? उनका सवाल सुनकर साइना ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। और फिर वीना जी बोली, ठीक है फिर पैक करवा लेती हूँ। साइना ने ओके कहा और अपनी नजर इधर उधर घुमाकर राइमा और संजना को ढूंढने लगी। लेकिन जब वो दोनों ही उसे वहां कहीं नहीं दिखी तो उसने वीना जी से पूछ ही लिया, राइमा और संजना कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही दोनों। वो दोनों भी ट्रायल रूम में गई हैं, अपने लिए सिलेक्ट किए हुए ड्रेस ट्राई करने। पता नहीं तुम लड़कियों को इतनी देर कैसे लग जाती है हर चीज में, वीना जी बोली। और उनके इशारा साइना की तरफ भी था, क्योंकि वो भी काफी देर में निकल कर आई थी चेंजिंग रूम से। उनकी इस बात पर साइना पूरी तरह से झेप गई और कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर बाद संजना और राइमा की अपनी अपनी ड्रेस लेकर कैश काउंटर के पास आ गई। और फिर वीना जी सभी की ड्रेस, साइना का लहंगा और जो साड़ियां उन्होंने खरीदी थी उन सब का बिल बनवाने लगी। और फिर साइना और राइमा का सामान अलग पैक करवा के उन्होंने उनको ही दे दिया। सगाई की शॉपिंग करने के बाद वीना जी साइना और राइमा को उनके घर छोड़ते हुए अपने घर लौट आती हैं। घर पहुंचते ही राइमा हॉल में पड़े सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। साइना भी वहीं बैठ जाती है। राइमा की आवाज सुनकर उसकी माँ रोहिणी किचन से निकलकर हॉल में आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, आ गई तुम दोनों वापस, क्या हुआ राइमा, ऐसे क्यों आवाज लगा रही थी तू? एक ग्लास पानी दे दो मम्मा, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं तो, राइमा अपनी माँ से बोली। अच्छा ठीक है लाती हूँ, इतना बोलकर रोहिणी जी वापस किचन में चली गई और फिर अपनी दोनों बेटियों के लिए दो ग्लास पानी लेकर आई और उन दोनों के साथ ही हॉल में सोफे पर बैठ गई और बोली, मुझे भी तो दिखाओ जरा क्या क्या दिलाया है तेरी होने वाली सास ने तुझे। इतना सुनकर राइमा बोल पड़ी, सिर्फ दी को नहीं मुझे भी दिलाया है, ये देखो माँ। और इतना बोलकर वो लाए हुए सारे कपड़े अपनी माँ को दिखाने लगी। तूने क्यों ले लिया राइमा, मना कर देती ना तू, रोहिणी जी ने कहा। बहुत बार मना किया था माँ, राइमा ने और मैंने भी, लेकिन फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो ज्यादा मना करते अच्छा नहीं लगा, साइना बोली। और माँ वैसे भी वीना आंटी ने गिफ्ट कह कर दिया है और गिफ्ट के लिए तो मना नहीं करते ना, राइमा बोली। अच्छा ठीक है फिर तो, रोहिणी जी ने कहा। और फिर अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर उनके लाए हुए सारे कपड़े देखने लगी। उधर दूसरी तरफ अब तक संजना और वीना जी भी अपने घर पहुंचने वाली होती हैं। अब तक राजवीर भी ऑफिस से घर लौट आता है। असल में आज उसकी कोई भी जरूरी मीटिंग नहीं थी, वो तो राजवीर ने बस शॉपिंग पर जाने से बचने के लिए बहाना बनाया था। इसीलिए जैसे ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग से वापस लौटकर घर आई और राजवीर ने उनकी कार की आवाज सुनी, वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। नहीं तो अगर उसकी माँ को पता चल जाता कि वो इतनी जल्दी ऑफिस से घर आ गया और फिर भी शॉपिंग के लिए उनके साथ नहीं गया तो फिर तो राजवीर की खैर नहीं थी। संजना और वीना जी भी हॉल में बैठकर एक दूसरे के साथ सभी सामान देखने लगे और दिन भर की हुई शॉपिंग की बातें माँ बेटी आपस में डिस्कस करने लगी। अपने कमरे में जाकर राजवीर भी कुछ सोचने लगा और एकदम अचानक से सोचते सोचते उदास हो गया। खुद से बातें करते हुए वो बोला, क्या मैं सही कर रहा हूँ ये सगाई करके और ये शादी करके, जबकि मैं सब करना नहीं चाहता। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना उस लड़की के साथ जो शादी के ना जाने कितने अरमान सजाकर इस घर में आएगी मेरी पत्नी बनकर। क्या मैं उसे कभी स्वीकार कर पाऊंगा पूरे मन से? कहीं मैं अपने परिवार वालों के साथ ही धोखा तो नहीं कर रहा? लेकिन ये सब कुछ मैं अपने परिवार वालों के कहने पर ही तो कर रहा हूं, सिर्फ उनकी खुशी के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था 5 साल पहले वो सब भूल कर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और किसी भी रिश्ते को मैं अपना नहीं कह सकता लाइफ में।
राजवीर ये सब कुछ सोचते हुए अपने अतीत की यादों में चला गया था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उन सबको याद करने लगा। उसके अतीत की वो सब अच्छी बुरी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और उन्हें याद करते करते राजवीर भी ना जाने कब पूरी तरह से उन्हीं यादों में डूब गया। राजवीर के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी सभी यादें बहुत ही कड़वी और दर्द भरी है, जो कि उसे सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ नहीं देती। लेकिन फिर भी उन यादों को भूलकर आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए। राजवीर अपने अतीत की यादों में और गहराई से डूबता ही चला जा रहा था। जितना ज्यादा वो उस बारे में सोच रहा था उतना ही ज्यादा वो दुखी होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक उसका मोबाइल रिंग होता है और वो अपने मोबाइल की रिंगटोन की आवाज सुनकर अपनी उस सोच से बाहर आता है और अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगता है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जब राजवीर ने देखा तो उसके भाई आर्यन का वीडियो कॉल था। अपने भाई आर्यन की वीडियो कॉल देखकर राजवीर का मूड थोड़ा चेंज हो गया। उसे शायद इस वक्त किसी अपने से बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई ऐसा जो राजवीर का दुख बांट सके और उसे समझ सके। इस हिसाब से आर्यन का वीडियो कॉल एकदम सही समय पर आया था। राजवीर ने खुद को थोड़ा संभाला और फिर कॉल रिसीव किया और सामने स्क्रीन पर उसे उसका छोटा भाई आर्यन दिखाई देने लगा। राजवीर को देखते ही आर्यन बोला, ए भाई, कैसे हो आप? राजवीर बोला, कैसा दिख रहा हूँ? हमेशा की तरह एकदम हैंडसम और डैशिंग, लेकिन मुझसे थोड़ा सा कम। और इतना बोलकर आर्यन हंसने लगा। हाँ हाँ पता है, तो हर बार यही बोलता है। वैसे ये बता कि तेरी पैकिंग हो गई और फ्लाइट कितने बजे की है तेरी? राजवीर ने आर्यन से पूछा। एक्चुअली भाई, तो मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि मैं आपकी एंगेजमेंट के लिए नहीं आ रहा हूँ, सॉरी भाई। आर्यन थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, व्हाट? क्या मतलब है कि नहीं आ रहा है तू, और क्यों? राजवीर एकदम से परेशान होते हुए बोला। हाँ भाई, नहीं आ पाऊंगा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है मेरे 2 दिन के बाद, इसीलिए। मन तो मेरा भी बहुत था आने का, लेकिन अब। आर्यन बोल ही रहा था कि राजवीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अब तब कुछ नहीं सुनूंगा मैं, तू आ रहा है बस, नहीं तो मुझे एंगेजमेंट भी नहीं करनी। अरे भाई, आप मेरी बात तो सुनो, आर्यन बोला। तुझे पहले से पता था ना 22 को मेरी एंगेजमेंट है, तो फिर तू अब अचानक आने से मना कैसे कर सकता है आर्यन? राजवीर खासा परेशान होते हुए बोला। हाँ मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने घर में सबको पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा एंगेजमेंट के लिए, सिर्फ आपको ही बताना रह गया था। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ रिएक्ट करेंगे। आर्यन राजवीर को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या मतलब है तेरा कि सबको पता था? और जब उन्हें पता था तो एंगेजमेंट की डेट आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई? राजवीर गुस्से में बोला। भाई आप गुस्सा मत करो, मेरी बेस्ट विशेस है ना आपके साथ हमेशा ही, और मैं दिल से तो हमेशा ही आपके साथ हूँ ना। आर्यन राजवीर को तसल्ली देते हुए बोला। चुप कर तू, सबको पता था मतलब किस किस को पता था, इतना बता बस मुझे। तो मैं बात करता हूँ मॉम डैड से अभी, एक तो मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी थी और अब जब कर रहा हूँ तो तू तो होना ही चाहिए कम से कम। राजवीर बोला। हाँ तो शादी पर तो आ रहा हूँ ना मैं हमेशा के लिए, क्योंकि तब तक मेरे एग्जाम्स भी हो जाएंगे और फिर मैं भी वही रहकर आपके और डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा काम सीखने के लिए। आर्यन बोला। हाँ तो बड़ा एहसान करेगा क्या शादी पर आकर, सगाई पर तो आ नहीं रहा। तू रहने दे, मुझे सगाई ही नहीं करनी और ना ही तुझसे बात करनी है। इतना बोलकर राजवीर नाराज होकर आर्यन की वीडियो कॉल कट कर देता है। आर्यन दोबारा राजवीर को वीडियो कॉल करता है, लेकिन राजवीर रिसीव ही नहीं करता उसका वीडियो कॉल।
और अपना फोन रूम में ही छोड़कर गुस्से में मॉम मॉम चिल्लाते हुए हॉल की तरफ चला जाता है। राजवीर की आवाज सुनकर उसकी माँ और संजना दोनों ही अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती हैं। और वीना जी राजवीर से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है और तू ऑफिस से घर कब आया? बस अभी, लेकिन आप वो सब छोड़िए और ये बताइए कि जब आर्यन ने आप लोगों को बताया कि वो सगाई की तारीख पर इंडिया आ नहीं सकता, तो आप लोगों ने फिर भी सगाई की वही डेट क्यों फिक्स की? राजवीर ने हल्के गुस्से में अपनी माँ से पूछा। अरे बेटा, सगाई की डेट तो पहले ही फिक्स हो गई थी ना, और आर्यन के असाइनमेंट की डेट बाद में आई, और अभी एक हफ्ते पहले ही उसने हमें बताया कि वो नहीं आ पाएगा, तो फिर हमने सोचा कि एंगेजमेंट तो उसके बिना भी हो सकती है। वैसे भी तेरी एंगेजमेंट है, आर्यन की नहीं, राजवीर की माँ उसे समझाते हुए बोली। मुझे भी पता है मॉम कि मेरी एंगेजमेंट है, आर्यन की नहीं, लेकिन फिर भी आर्यन के बिना मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी, बस फाइनल, राजवीर गुस्से में अपना फैसला सुनाते हुए बोला। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर सगाई शादियां कैंसिल नहीं होती, समझा कर तू, राजवीर की माँ उसे समझाते हुए बोली। अरे भैया, तो क्या हुआ अगर आर्यन भैया यहाँ पर नहीं है? मैं और मॉम डैड तो है ना, बाकी के रिलेटिव्स भी आ जाएंगे एंगेजमेंट वाले दिन, संजना मुस्कुराते हुए बोली। हाँ मुझे पता है, बाकी सब है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आर्यन नहीं आ रहा है एंगेजमेंट के लिए? अगर पहले बता देते तो शायद मैं कुछ इंतजाम कर पाता, राजवीर हताश होते हुए बोला। हाँ पता है, मुझे बहुत प्यार करता है तू अपने भाई से, लेकिन फिर भी तू क्या कर लेता, तो उसके कॉलेज असाइनमेंट की डेट तो नहीं बदलवा देता ना? अब बस कर अपना ड्रामा, वीडियो कॉल कर लेना तो आर्यन से पूरे दिन, वीना जी बोली। आप लोग नहीं समझते मुझे जितना आर्यन समझता है, उसके रहने से मुझे मेंटल सपोर्ट मिलता है बहुत ज्यादा, राजवीर बोला। हाँ सिर्फ तेरा भाई ही तो एक सगा है तेरा, बाकी हम सब तो ऐसे ही है ना। अच्छा अब चल संजना, और भी काफी सारे काम है हमें तेरे भाई की शिकायतें सुनने के अलावा, इतना बोलकर वीना जी संजना को लेकर वहां से चली जाती हैं। और फिर राजवीर भी वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन साइना की माँ और बहन दोनों ही बाजार गई हुई थी कल होने वाली सगाई के फंक्शन के लिए सामान खरीदने। साइना के पापा ऑफिस गए हुए थे और साइना अपने भाई आरव के साथ घर पर थी, और घर का सभी काम समेटने के बाद वो वहां पर बैठी ही थी कि तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजी और साइना को लगा कि उसकी माँ और राइमा बाजार से वापस आ गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए आवाज देकर आरव से दरवाजा खोलने को कहती है। आरव उठकर दरवाजा खोलता है, साइना आवाज देकर पूछती है, कौन है दरवाजे पर? श्रेया दी है साइना दी, आरव साइना को बताता है, जब तक श्रेया खुद ही साइना के सामने आ जाती है और उसे आराम से सोफे पर पैर पसारे बैठा देखकर हैरानी से बोलती है, ये देखो होने वाली दुल्हन को इतने आराम से पैर पसारे बैठी है, कोई देखकर कहेगा ही नहीं कि कल इनकी सगाई है। हो गया तेरा ड्रामा, आराम से नहीं बैठू तो क्या नाचू? साइना श्रेया की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली। जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं है तुझे अपनी सगाई की, और यहाँ मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे ये सोचकर कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। कल इतना बड़ा दिन है तेरे लिए, थोड़ा सा खुश होने की एक्टिंग ही कर ले यार, श्रेया उसके पास सोफे पर बैठती हुई बोली। आरव उन दोनों की बातें सुनकर वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। सगाई करने की एक्टिंग कर तो रही हो ना घर वालों की खुशी के लिए, अब खुश रहने की झूठी एक्टिंग नहीं हो पाएगी मुझसे, प्लीज यार रहने दे तू, साइना बोली। यार तू ना हर बात में दुखी होने का कोई ना कोई बहाना पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है।
अच्छा छोड़ ये सब बातें, चल मुझे अपना लहंगा दिखा जो तेरी होने वाली सास ने दिलाया है तुझे, श्रेया एक्साइटेड होते हुए बोली। देखा तो था तूने कल वीडियो कॉल पर, अब फिर से देखने पर अलग थोड़ी ना दिखेगा, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ ऊपर कमरे तक, साइना उकता कर बोली। बहुत अलग दिखता है वीडियो कॉल और फोटो से रियल में देखने पर, चल अब दिखा चल कर, मैं अपने घर से सिर्फ तेरा लहंगा देखने आई हूँ और तुझे कमरे तक चलने में आलस आ रहा है, श्रेया उसे घसीट कर सोफे से उठाती हुई बोली। अच्छा ठीक है चलती हूँ, तो बिना देखे मानेगी कहाँ, इतना बोलते हुए साइना सोफे पर से उठकर श्रेया के साथ चलने लगी। अच्छा ये तो बता कि कितने का है तेरे एंगेजमेंट का लहंगा, इतने बड़े डिजाइनर शोरूम से लेकर दिया है तेरे ससुराल वालों ने, श्रेया एक्साइटेड होते हुए बोली। प्राइस नहीं पता मुझे, आंटी ने पे किया था, मैंने भी पूछा नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, और तू तो ऐसे एक्साइटेड हो रही है जैसे कि तेरी एंगेजमेंट है, साइना ने कहा। हम अपनी बलि चढ़ने पर कौन खुश होता है यार, मजा तो दोस्त को हलाल होते हुए देखने में ही आता है, और तेरी तो या मेरी एक ही बात है, तुम मेरे टाइम में एंजॉय कर लेना, अब भी मेरा टाइम है तो मुझे एंजॉय करने दे, श्रेया बोली। जब तक वो दोनों रूम में पहुंच गई और फिर साइना ने अपनी अलमारी से वो लहंगा निकालकर श्रेया को दिखाया और श्रेया लहंगा देखकर बोली, So pretty यार, रेड कलर तो तूने ही पसंद किया होगा, आई नो तुझे बहुत पसंद है, लेकिन डिजाइन भी बहुत अच्छा है, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, श्रेया सारा सामान देकर खुश और एक्साइटेड होकर सभी चीजों की तारीफ कर रही थी और उन सब में साइना को इमेजिन भी कर रही थी कि वो कल रेडी होने पर कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन साइना एकदम उदासीन बिना भाव का चेहरा बनाए श्रेया के साथ बैठी थी और उसकी हर बात का जवाब हाँ और में ही दे रही थी। शेखावत मैंशन में कल जब बात करने के बाद राजवीर ने गुस्से में आर्यन की वीडियो कॉल कट कर दी थी, तब से लेकर आज तक आर्यन 10 से 20 बार राजीव को कॉल कर चुका था, लेकिन राजवीर उससे नाराज है इसीलिए उसने एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की। आखिरकार शाम को ऑफिस से घर आने के बाद राजवीर आर्यन की कॉल रिसीव कर लेता है और वैसे ही गुस्से में बोलता है, क्या है तुझे क्यों बार बार कॉल कर रहा है, मुझे भी काम रहता है, फालतू नहीं रहता कि सारा दिन बात करूं तुझसे। आप अभी तक मुझसे गुस्सा हो भाई, आई एम सो सॉरी ना, चलो कान पकड़ लूं, आर्यन क्यूट आवाज में बोला। तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज रहूं या नहीं, तू कौन सा आकर मुझे मनाने वाला है, राजवीर अभी भी नाराजगी में बोला। अगर फर्क नहीं पड़ता तो कल से लेकर आज तक 50 कॉल नहीं किए होते मैंने, वो भी तब जबकि मैं जानता था कि आप रिसीव नहीं करने वाले, आर्यन ने कहा। कर तो लिया रिसीव, राजवीर बोला। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझसे नाराज नहीं हो, नहीं हो ना भाई नाराज, आर्यन ने पूछा। अच्छा ठीक है नहीं हूँ नाराज, सगाई भी कर लूंगा तेरे बिना ही, राजवीर बोला। हाँ वो तो होनी ही थी, आखिर होने वाली भाभी इतनी सुंदर जो है, मना कहाँ कर पाओगे आप, आर्यन उसकी टांग खींचते हुए बोला। हाँ तो तेरा भाई क्या कम हैंडसम है, राजवीर बोला। हाँ मुझसे और भाभी से तो कम ही है, और इतना बोलकर आर्यन हंसने लगा। ज्यादा ना बोल, होने वाली भाभी के देवर, नहीं तो तेरी खैर नहीं, राजवीर उसे डांटते हुए बोला। अरे नहीं भाई मैं तो आपकी ही तरफ हूँ, लेकिन होने वाली भाभी है बहुत सुंदर सच में, मैंने तो फोटो ही देखी है अभी तक, आपने तो रियल में देखा होगा, बताओ कैसी लगी आपको, आर्यन ने उससे पूछा। ठीक ही है, तू जानता है मेरे लिए चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, और वैसे भी मुझे शादी करनी ही नहीं थी, वो तो बस मम्मी पापा की जिद की वजह से करनी पड़ रही है, मेरा बस चलता तो
तो मैं कभी शादी ही नहीं करता। और इतना बोलते बोलते राजवीर की आवाज उदास होने लगी। उसी उदास सुनकर आर्यन बोला, डोंट बी सैड भाई, आप अभी तक वही क्यों अटके हो, आगे सब अच्छा होगा आपके साथ, देखना आप। पता नहीं। ओके बाय, तू अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर, बाद में बात करता हूं। और इतना बोलकर राजवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सगाई का दिन। साइना की सगाई शहर के एक बड़े गेस्ट हाउस में हो रही थी, क्योंकि मेहमानों की संख्या काफी ज्यादा थी। दोनों तरफ के मिलाकर और साइना का घर छोटा था सगाई की रस्म के लिए। रिवाज के अनुसार लड़के के घर से सगाई की रस्म नहीं हो सकती थी। गेस्ट हाउस के कमरे में साइना शीशे के सामने उदास बैठी थी, नॉर्मल कपड़े में ही। उसकी माँ कमरे के अंदर आई और उसे अभी तक वैसे ही बैठा देखकर बोली, अरे अब तक कपड़े भी नहीं बदले तूने, जल्दी कर बेटा, वो लोग आते ही होंगे। तेरे हेयर मेकअप में भी काफी टाइम लगना है ना, ऐसे अकेली ही बैठी है तू कमरे में, राइमा और श्रेया कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ है वो दोनों, साइना धीरे से बोली। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ और भेजती हूँ उन दोनों को, जब तक तू कपड़े बदल ले। और इतना बोलकर साइना की माँ रोहिणी जी वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद राइमा और श्रेया दोनों ही साइना के कमरे में आ गए और तैयार होने में उसकी मदद करने लगी। साइना ने अब तक लहंगा पहन लिया था, उसने अभी बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो रेड कलर का लहंगा साइना पर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन साइना उदास से चेहरे के साथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। राइमा साइना के बाल बना रही थी तो श्रेया उसका फेस मेकअप कर रही थी और साइना के सामने खड़ी थी और उसकी नजर भी साइना के चेहरे पर ही थी, इसीलिए श्रेया समझ गई थी कि साइना बिल्कुल भी खुश नहीं है आज अपनी होने वाली सगाई से। श्रेया को कहीं ना कहीं साइना के उदास होने का कारण भी पता था, लेकिन वो राइमा के सामने साइना से उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। और श्रेया मन ही मन सोच रही थी कि साइना को वो कैसे समझाए कि साइना बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है, अपने अतीत की वजह से अपना भविष्य खराब कर लेगी ये लड़की, पागल है बिल्कुल। थोड़ी देर बाद साइना की माँ ने राइमा को आवाज लगाई। श्रेया उससे बोली, तू जा राइमा, देख तुझे आंटी बुला रही है, यहाँ मैं देख लूंगी बाकी सब हेयर मेकअप साइना का। ओके श्रेया दी, मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। इतना बोलकर राइमा उनके कमरे से बाहर चली गई। और राइमा के कमरे से बाहर जाते ही श्रेया ने जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और साइना के सामने खड़े होते हुए बोली, क्या हुआ है तुझको, बोल जल्दी से, बता मुझे। कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, क्या होगा मुझे, ठीक ठाक तो हूं ना मैं, साइना आराम से बोली। झूठ तो तू किसी और से बोलना, क्योंकि मुझसे तो तू झूठ बोल नहीं पाएगी। इतनी देर से देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ खोई हुई है, श्रेया बोली। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे भला, साइना बोली। साफ दिख रहा है कि तू खुश नहीं है, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, ऐसे रहेगी अपनी सगाई में तू, श्रेया बोली। अरे यार तो क्या करूं मैं, जो सच है वही तो दिख रहा है, नहीं हो पा रही खुश रहने की झूठी एक्टिंग मुझसे, बोलते बोलते साइना और ज्यादा उदास हो गई। फिर भी यार एक्टिंग ना सही, घर वालों के लिए भी थोड़ा खुश रह ले, ये सोच करके तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत है और तेरे मम्मी पापा कितने खुश हैं तेरे लिए, श्रेया उसे समझाते हुए बोली। उन सब की खुशी के लिए ही तो सगाई के लिए हाँ किया है, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं कभी भी अमन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती कभी भी, बोलते बोलते साइना की आंखों में आंसू आ गए। यार तू अभी तक अपने पास्ट में ही अटकी रहेगी तो फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेगी, अमन तेरा पास्ट था,
जो कि अब कभी भी लौट कर तेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, और ये बात तू भी जानती है, बस मानती नहीं। श्रेया साइना को समझाते हुए बोली, मुझे नहीं सोचना, अमन के बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है किसी और के साथ। मैं अपनी लाइफ किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। साइना अपनी ही धुन में बोली। वो श्रेया की बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। श्रेया उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए बोली, अभी अभी तूने कहा कि तू अपने माता पिता की खुशी के लिए ये सगाई और शादी कर रही है। हाँ बिल्कुल सच बात है ये, साइना बोली। तो फिर अगर आज तेरी सगाई वाले वो लोग तुझे ऐसे उदास देखेंगे तो भला कैसे खुश रह पाएंगे? और अमन अब तेरे फ्यूचर में तेरे साथ कभी भी नहीं आ सकता, और तुम जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना ही तेरी आने वाली जिंदगी और इस शादी के लिए अच्छा है। श्रेया बोली, तू तो सब कुछ जानती है ना श्रेया, कि मेरे लिए सब कुछ भूलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अभी मम्मी पापा की खुशी के लिए अगर सगाई के वक्त मैं खुश रहने का दिखावा नहीं कर सकती, तो कम से कम अपनी उदासी और दुख छिपाने की पूरी कोशिश करूंगी बाहर सभी के सामने। साइना श्रेया की बात समझते हुए बोली, गुड गर्ल, अब ये हुई ना मेरी सीनू वाली बात। श्रेया साइना को साइड हग करते हुए बोली, सीनू पीनू मत बुलाया कर मुझे, तो जानती है मुझे ये सब निकनेम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। साइना चिढ़ते हुए बोली, वो सब रूल बाकी लोगों के लिए, मैं तुझे कुछ भी बुला सकती हूँ, सीनू भी। श्रेया बोली, हाँ पता है तू नहीं मानने वाली। साइना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है अब चुप कर तू, रो रो कर सारा आई मेकअप बर्बाद कर लिया तूने, फिर से सब करना पड़ेगा। इतना बोलकर श्रेया साइना का मेकअप करने लगी। थोड़ी देर बाद राइमा आई और कमरे का दरवाजा नॉक करने लगी। श्रेया दी दरवाजा खोलो, लड़के वाले आ गए हैं नीचे हॉल में, माँ ने साइना दी को नीचे बुलवाया है। राइमा दरवाजे के बाहर से बोली। राइमा की आवाज सुनकर श्रेया ने दरवाजा खोल दिया और राइमा कमरे के अंदर आती हुई साइना की तरफ देखकर बोली, ओह माय गॉड, वाव दी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और फिर श्रेया की तरफ देखकर बोली, श्रेया दी रेडी हो गई है ना साइना दी, नीचे हॉल में लेकर चलना है। हाँ बस 2 मिनट में चलते हैं, थोड़ा सा टचअप कर दो इसका। श्रेया राइमा की बात का जवाब देते हुए बोली, ओके दी। राइमा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो भी श्रेया की मदद करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद साइना को पूरी तरह से तैयार करके राइमा और श्रेया उसे अपने साथ नीचे हॉल में लेकर आ जाती हैं। साइना जब हॉल में आती है तो सारे गेस्ट उसे देखते ही रह जाते हैं। रेड गोल्डन लहंगे, मैचिंग ज्वेलरी और ब्राइट टू बी वाले मेकअप लुक में साइना सच में आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम किसी राजकुमारी की तरह। बाकी सभी लोगों के साथ राजवीर ने भी जब नजरें उठाकर साइना की तरफ देखा तो एक टक उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर तक तो, लेकिन तब भी उसके पास ही खड़ी उसकी छोटी बहन संजना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बस करो भाई, कितना घूरोगे होने वाली भाभी को। माना कि बहुत सुंदर लग रही है होने वाली भाभी, लेकिन फिर भी बस करो। और इतना बोलकर संजना हंसने लगी। अरे मैं कहाँ घूरा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। एकदम से सुनकर राजवीर हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन फिर जब उसने ध्यान दिया कि ये सब संजना बोल रही थी तो उसे गुस्से में डांटते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है आजकल तू। अरे भैया मैं तो बस मजाक कर रही थी, नाराज क्यों हो रहे हो आप, वैसे आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे हो, संजना अपनी बात संभालते हुए बोली। राजवीर ने भी डार्क ब्राउन कलर का 3-पीस कोट सूट पहना हुआ था और वो भी दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट और पर्सनालिटी पर वो सूट बहुत ज्यादा जच रहा था।
राजवीर पहले से ही स्टेज पर चेयर पर बैठा हुआ था। उसके परिवार वाले भी उसके आसपास ही थे और उसके बगल में खड़ी संजना ही उसके कान में ये सब बोल रही थी। संजना की बात सुनकर राजवीर बोला, तेरा भाई तो हमेशा ही हैंडसम लगता है। बस बस भैया, लेकिन मेरी होने वाली भाभी के आगे तो कम ही हैंडसम लगोगे आप, संजना उसकी बात पर बोली। संजना की बच्ची, कुछ ज्यादा ही नहीं भाभी भाभी कर रही है तू। राजवीर संजना के सिर पर हल्की सी एक चपत लगाते हुए बोला। राजवीर और संजना आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी रायमा और श्रेया साइना को स्टेज पर राजवीर के साथ वाली चेयर पर बिठा देती हैं और वो दोनों वही स्टेज पर साइना की चेयर की साइड में खड़ी हो जाती हैं। साइना खूबसूरत तो बहुत लग रही थी लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और राजवीर ये बात नोटिस भी कर लेता है, लेकिन एक दूसरे से एकदम अनजान होने की वजह से उसकी साइना से बात करने या फिर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। वैसे खुश तो राजवीर भी नहीं था, वो भी इतनी देर से अपने माता पिता परिवार वालों और मेहमानों के आगे खुश रहने का दिखावा ही कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपी उदासी और मजबूरी देखने वाला इस भीड़ में कोई भी नहीं था। साइना नजरें नीचे किए हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी और उसकी सास या संजना जो भी उससे पूछ रही थी वो बस सिर हिलाकर हाँ नहीं में जवाब दे रही थी या फिर एक फीकी सी हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। इतनी देर में साइना ने एक बार भी नजरें उठाकर राजवीर को देखने की कोशिश नहीं की। देखना तो दूर की बात थी, साइना तो राजवीर के बारे में सोच तक नहीं रही थी। वो बस एक शोपीस की तरह अपनी जगह पर बैठी और मुस्कुराकर सभी के साथ फोटो खिंचवा रही थी। राजवीर और साइना को छोड़कर उनके सभी परिवार वाले उन दोनों का रिश्ता जुड़ने से बहुत ज्यादा खुश थे। वहां पर उपस्थित सभी मेहमान उन दोनों को साथ में बैठा देखकर बोल रहे थे कि राजवीर और साइना की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहे थे। थोड़ा सा तो स्माइल कर ले यार, होने वाली जीजू को देखकर ही सही, इतने हैंडसम है यार जीजू, कितनी लकी है तू साइना, श्रेया झुककर साइना के कान में बोलती है। श्रेया की ऐसी बातें सुनकर साइना ने तिरछी नजरों से गुस्से में श्रेया को देखा, लेकिन वहां पर इतने सारे लोगों के होने की वजह से उसको कुछ बोल नहीं पाई। साइना को गुस्से में देखकर श्रेया भी उसके सामने से हटकर थोड़ा पीछे खड़ी हो गई और हंसने लगी। श्रेया की बात याद करके साइना धीरे से नजरें उठाकर अपने बगल में बैठे राजवीर को देखने लगी। ठीक तरह से तो साइना राजवीर को देख नहीं पाई क्योंकि उसे राजवीर का साइड फेस ही दिख रहा था। तब भी राजवीर को ऐसा लगा कि साइना उसकी तरफ ही देख रही है, तो उसने भी साइना की तरफ से नजरें घुमाकर देखा, लेकिन राजवीर से नजरें मिलते ही साइना ने अपनी नजरें फेर ली और वापस सामने की तरफ और इधर उधर देखने लगी और मन ही मन खुद से बोलने लगी, स्टूपिड है क्या तू साइना, क्या कर रही थी, क्यों देखा तूने उसकी तरफ, उस पागल श्रेया की बात सुनकर। साइना मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उनके परिवार वाले सगाई की रस्म अदा करने के लिए एक दूसरे से बात करने लगे। चलिए अब सगाई की रस्म कर लेते हैं, राजवीर की माँ साइना की माँ से बोली। हाँ बिल्कुल, अंगूठियां ही तो बदलनी है, साइना की माँ बोली और फिर इतना बोलकर रायमा से रिंग लेकर आने के लिए इशारा करने लगी। और राजवीर की माँ भी लड़की की रिंग लेकर आई और राजवीर और साइना दोनों स्टेज पर खड़े हो गए। साइना के पीछे श्रेया रिंग की डिब्बी थाली में रखकर पकड़े हुए थी, तो वहीं राजवीर के पास उसकी बहन संजना उसी तरह से राजवीर के पीछे खड़ी हुई थी और परिवार के बाकी सदस्य भी इन दोनों के पास ही खड़े हुए थे। श्रेया ने रिंग निकालकर साइना के हाथ में दी और संजना ने राजवीर के हाथ में अंगूठी दे दी
और इस वक्त राजवीर और साइना एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़े थे। हाथ में अंगूठी पकड़े वो दोनों ही अपनी अपनी अलग सोच में डूबे हुए थे। तभी राजवीर की माँ ने उससे बोला, राजवीर बेटा क्या सोच रहे हो, तू अंगूठी पहना साइना को। अपनी माँ की बात सुनकर राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और हाँ माँ बोलकर साइना को अंगूठी पहनाने ही वाला था कि तभी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। वो आवाज सुनकर उस हॉल में मौजूद सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो आवाज सुनकर सभी एकदम से रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर एक लड़का डेनिम जैकेट और जीन्स टी शर्ट पहने हुए खड़ा था। सगाई के फंक्शन में उपस्थित सभी मेहमान और साइना के परिवार वाले मन ही मन सोचने लगे कि आखिर कौन है ये आदमी और ऐसे अचानक कहां से आ गया, सगाई रोकने को क्यों कह रहा है। उन सभी के मन में ऐसे ही कई सारे सवाल थे, लेकिन राजवीर के परिवार के सभी सदस्य दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन राजवीर की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ी वो भागकर दरवाजे पर पहुंचा और वहीं पर उस लड़के को गले लगाते हुए राजवीर बोला, तू तो नहीं आने वाला था ना, झूठा कहीं का, बहुत परेशान करता है मुझे। अरे भाई बस वो मैंने सोचा था कि आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप लोग तो मेरे बिना ही एंगेजमेंट करने वाले थे, मैं बहुत नाराज हूँ, आर्यन बोला और राजवीर के साथ स्टेज पर आकर अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो गया। शैतान कहेगे ऐसा क्यों बोला, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। अरे मॉम मेरा तो बस ये कहने का मतलब था कि मेरे बिना ये सगाई भला कैसे हो सकती है, आर्यन हंसते हुए बोला। क्यों नहीं हो सकती इसके बिना सगाई, इससे थोड़ी ना होनी है, रायमा धीरे से बोली, जिसकी आवाज सिर्फ श्रेया और साइना को ही सुनाई दी। रायमा की बात सुनकर श्रेया हंसने लगी और उसे देखकर रायमा खुद भी साइना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन फिर भी वो इशारे से रायमा और श्रेया को चुप रहने के लिए कहने लगी। साइना का इशारा समझकर श्रेया और रायमा ने भी हंसना बंद कर दिया और चुपचाप बड़ों की बातें सुनने लगी। ये हमारा छोटा बेटा आर्यन शेखावत है, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप लोग इसे नहीं पहचानते क्योंकि आज ही इंडिया आया है। राजवीर के पापा आर्यन को वहां उपस्थित सभी मेहमानों और साइना के परिवार वालों से मिलाते हुए बोले। अपने घर वालों और राजवीर से मिलने के बाद आर्यन साइना के सामने आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो भाभी, मैं आर्यन आपका देवर, मैंने आपकी फोटोज देखे थे, लेकिन आप तो अपने फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, साइना ने जवाब में सिर्फ इतना ही बोला। आर्यन को वहां पर देखकर राजवीर सबसे ज्यादा खुश था और अब उसकी उदासी भी कुछ कम थी, क्योंकि अब वो अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि अपने भाई को अपनी सगाई में अपने साथ देखकर खुश था और थोड़ा सा इमोशनल भी, क्योंकि राजवीर को लगा था कि आर्यन उसकी सगाई के लिए इंडिया नहीं आ पाएगा और अब ऐसे अचानक से एकदम से आ गया सरप्राइज एंट्री लेकर। अपनी एंट्री पर वहां सबको ऐसे इमोशनल होता देख आर्यन सबका मूड चेंज करने के इरादे से बोला, हेलो गाइस, रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं अब ना, क्योंकि अब तो मैं आ गया हूं ना और अब ये सगाई हो सकती है, आर्यन हंसते हुए बोला। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं, राजवीर बेटा साइना को अंगूठी पहनाओ, आर्यन की माँ बोली। अपनी माँ की बात सुनकर राजवीर ने साइना की उंगली पर अंगूठी पहना दी। साइना की उंगली में वो अंगूठी थोड़ी ढीली थी। वीना जी ने ये बात नोटिस कर ली और साइना से बोली, अरे ये अंगूठी तो तुम्हारी उंगली में लूज है, माफ करना बेटा मैं तुम्हारा साइज नहीं जानती थी और तुम्हारी रिंग का साइज ले जाना भी भूल गई मैं, खैर कोई नहीं, बाद में तुम इसे अपनी साइज की करवा लेना। कोई बात नहीं, इतना बोलकर साइना अंगूठी की तरफ देखने लगी।
कोई बात नहीं, इतना तो आगे पीछे चलता ही है। साइना बेटा, अब तुम भी अंगूठी पहनाओ राजवीर जी को। साइना ने भी राजवीर को अंगूठी पहना दी और राजवीर को वो अंगूठी एकदम फिट और सही साइज में आई थी। रिंग एक्सचेंज होते ही वहां खड़े सभी गेस्ट तालियां बजाने लगे और कपल को शुभकामनाएं भी देने लगे। राजवीर और साइना को स्टेज पर बैठा दिया गया, जहां से राजवीर तो 5 मिनट बाद ही वहां से उठकर आर्यन के साथ दूसरी तरफ चला गया और स्टेज पर साइना के साथ संजना बैठी हुई थी और अपने मोबाइल से क्लिक किए हुए फोटो साइना को दिखा रही थी। देखो ना भाभी, आप और राजवीर भैया दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। संजना साइना को अब भी थोड़ी देर पहले के क्लिक किए हुए फोटोज दिखाती हुई बोली। साइना उसकी बात के जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर हां कर रही थी। तभी श्रेया भी स्टेज पर आई और साइना के सोफे के साइड पर बैठती हुई बोली, क्या हो रहा है अकेले अकेले, मुझे भी दिखाओ एंगेजमेंट की फोटोज। श्रेया की बात सुनकर संजना साइना का मुंह देखने लगी और चुप हो गई। तब भी साइना उन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती हुई बोली, संजना ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया, थोड़ी पागल है, इसकी बात का बुरा मत मानना। और श्रेया, संजना को तो तुम जानती ही हो। अरे ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो कोई बुरा मान जाएगा। क्यों संजना, कुछ ऐसा बोला मैंने? साइना की बात पर श्रेया संजना से पूछती हुई बोली, नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आइए आपको भी फोटोज दिखाती हूँ। संजना स्माइल करती हुई बोली, ये वाली देखिए कितनी अच्छी आई है। संजना एक फोटो श्रेया को देखते हुए बोली, हाँ यार साइना ये वाली तो सच में बेस्ट आई है फोटो। एक काम करना, तुम ये वाली फोटो फ्रेम करवा कर शादी के बाद अपने बेडरूम की वॉल पेपर में लगा लेना। श्रेया भी वो फोटो देखते हुए बोली, हाँ भाभी सही कह रही है आपकी फ्रेंड, बेस्ट आइडिया है ये। संजना साइना से बोली, भाभी आपकी फ्रेंड क्या होता है संजना, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ क्या? श्रेया बोलो मुझे बस। श्रेया ने संजना से शिकायती लहजे में कहा। ओके श्रेया, संजना हंसते हुए बोली। साइना अब तक चुपचाप बैठी थी क्योंकि उसे फोटो फ्रेम करवाने वाली बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन संजना और श्रेया की दोस्ती वाली बात सुनकर साइना स्माइल करने लगी। तब भी राइमा भी वहां आ जाती है और चारों लड़कियां साथ में स्टेज पर बैठ जाती हैं और आपस में फोटो शेयर करती हुई बात करती हैं। वो चारों एक साथ भी अपनी कई सारी फोटोस ले लेती हैं। राजवीर स्टेज से थोड़ी दूर पर ही खड़ा आर्यन से बात कर रहा था। झूठा कहीं का, तू तो आने वाला नहीं था ना मेरी सगाई के लिए, तेरा तो असाइनमेंट था ना, राजवीर आर्यन से बोला। अरे भाई आपसे बढ़कर कोई भी असाइनमेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे भाई की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्यन बोला। बस कर बस कर, ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे पता है ना कोई असाइनमेंट नहीं था तुम्हारा, झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे, ये सरप्राइज प्लान कर रहे होगे ना, राजवीर बोला। आपको हर बार सब पता कैसे चल जाता है भाई, इट्स नॉट फेयर, इस बार तो कितनी मेहनत की थी हम सब ने, आर्यन मुंह बनाते हुए बोला। हम सब ने मतलब और कौन कौन शामिल था इन सब में? आर्यन की बात सुनकर राजवीर ने शक भरी निगाहों से घूरते हुए उससे पूछा। अरे किन सब ने, कोई तो नहीं, कोई भी तो नहीं, आर्यन बात बदलने की कोशिश करते हुए काफी ज्यादा अटकते हुए बोला। तू बहुत अच्छे से जानता है किस बारे में पूछ रहा हूँ मैं, साफ साफ बता दे किस किस को पता था कि तू आ रहा है और मुझसे क्यों छुपाया, राजवीर उसी तरह से आर्यन को घूरते हुए बोला। सबको पता था भाई, मॉम डैड संजना तीनों को आपको तो सरप्राइज देना था, इसीलिए नहीं बताया ना, आर्यन ने आखिर राजवीर को पूरी बात बताते हुए कहा। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी एंट्री बहुत ही अजीब थी, ऐसा कौन आता है, मुझे तो हंसी आने वाली थी तुझे देखकर, राजवीर आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोला।
एंट्री चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए तो बस आपकी खुशी मैटर करती है, और आपकी खुशी के लिए ही तो मैं इंडिया आया हूँ भाई। लेकिन एक बात से मैं बहुत नाराज हूँ। आर्यन राजवीर की बात पर पहले तो खुश होता हुआ, लेकिन फिर थोड़ा सोचते हुए उससे सवाल करता हुआ बोला, कौन सी बात से? राजवीर ने भी थोड़ा सा सोचते हुए आर्यन से सवाल किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आर्यन किस बात के लिए अब उससे नाराज है भला। जो आपने झूठ बोला मुझसे, उस बात से नाराज हूं मैं। आर्यन नाराज होने का नाटक करते हुए और अपने चेहरे पर आती मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला तुझसे? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तूने मुझसे झूठ बोला कि नहीं आ पाएगा तू मेरी सगाई के लिए, और फिर आ गया अचानक ही। आर्यन को इस तरह नाराज होता देख राजवीर सारे इल्जाम उस पर ही लगाता हुआ बोला, हाँ मैंने तो सरप्राइज देने के लिए झूठ बोला, लेकिन आपने तो झूठ बोलकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या झूठ बोला तुझसे? फालतू में नौटंकी कर रहा है। राजवीर उसके नाटक को समझाते हुए बोला, अरे वही आपने मुझसे फोन पर बोला था ना कि आप मेरे बिना सगाई नहीं करेंगे, और फिर आज मैंने यहाँ आकर जो देखा वो सब देखकर मेरा तो दिल ही टूट गया। इतना बोलकर आर्यन रोने का ड्रामा करते हुए हंसने लगा। उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे हंसता देख और राजवीर के चेहरे पर भी हंसी आ गई, और वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, एक नंबर का नौटंकी है तो बस कर अपनी इतनी गंदी एक्टिंग। बोलते हुए राजवीर ने आर्यन के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई। आर्यन के आ जाने से राजवीर की उदासी काफी कम हो गई थी, और वो अब अपनी सगाई शादी के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन उनके माता पिता और साइना के माता पिता बैठकर पंडित जी से राजवीर और साइना की शादी का मुहूर्त निकलवा रहे थे, और साथ ही तारीख भी फिक्स करवा रहे थे। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत और सगाई का फंक्शन एंजॉय करने में बिजी थे, इसीलिए उनके माता पिता ने अब भी बच्चों को इन सब में शामिल नहीं किया। वैसे भी शादी विवाह की तारीख का फैसला माँ बाप ही करते हैं। राजवीर और साइना दोनों अभी तक अपनी सगाई को ही पूरी तरह मन से स्वीकार नहीं कर पाए थे, और उन दोनों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके माता पिता साथ बैठकर उनकी शादी की तारीख भी तय करवा रहे हैं। भगवान की कृपा से सगाई ठीक तरह से निपट गई, साइना की माँ जैसे राहत की सांस लेती हुई बोली। हाँ बहन जी, अब से आपकी बेटी साइना हमारी हो गई, राजवीर की माँ उनकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, और राजवीर भी अब से हमारा बेटा हो गया, साइना की माँ भी राजवीर की माँ की बात का जवाब देती हुई बोली। बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रही थी राजवीर और साइना की। क्यों शर्मा जी? मिस्टर शेखावत साइना के पापा की तरफ देखकर सवाल करते हुए बोले। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। साइना के पापा भी मिस्टर शेखावत की बात पर सहमति जताते हुए बोले। राजवीर की बुआ को भी साइना बहुत पसंद आई, और आपका परिवार भी, मिस्टर शेखावत भी काफी खुश होते हुए बोले। ओह वो तो आप लोग भी इतने अच्छे हैं कि आपको सब पसंद आ जाते हैं, साइना के पापा भी उसी तरह अपने पन के अंदाज में बोले। अच्छा ये सब बातें तो होती रहेंगी, अभी शादी की तारीख भी तय करनी है। राजवीर की माँ उन सबका ध्यान शादी की तारीख निकलवाने वाली बात पर करती हुई बोली। पंडित जी, बच्चों की कुंडलियां और पंचांग देखकर बताइए कब का मुहूर्त शुभ रहेगा शादी के लिए। राजवीर की माँ की बात सुनकर साइना की माँ वहीं बैठी पंडित जी को साइना और राजवीर दोनों की कुंडली दिखाती हुई बोली। पंडित जी उन दोनों की कुंडलियां ध्यान से देखने लगे और ठीक तरह से अध्ययन कर थोड़ी देर बाद बोले, आज से 2 माह पश्चात का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है आपके इन दोनों बच्चों की शादी के लिए। 2 महीने में थोड़ा जल्दी नहीं है? कोई और तारीख नहीं है क्या पंडित जी? पंडित जी की बात सुनकर साइना की माँ थोड़ी सी चिंतित स्वर में बोली, अरे क्यों, 2 महीने में ठीक तो है, कोई परेशानी है क्या आपको बहन जी?
मिस्टर शेखावत साइना की माँ को इस तरह चिंतित और दूसरी तारीख के लिए बोलते देखकर पूछते हुए बोले, शादी की तैयारियों के लिए 2 महीने का वक्त कम लग रहा होगा हमारी पत्नी जी को, इसीलिए ही बोल रही हैं। साइना के पापा अपनी पत्नी की चिंता का कारण समझते हुए बोले, हाँ सही समझे हैं आप, इसीलिए ही बोला। रोहिणी जी अपने पति की तरफ देखते हुए बोली और फिर पंडित जी की तरफ देखकर बोली, देखकर बताइए ना पंडित जी, अगला शुभ मुहूर्त कब का है? वही देख रहा था, 2 माह के बाद अगला शुभ मुहूर्त फिर 1 वर्ष पश्चात का ही है। 2 माह के बाद वाला मुहूर्त हटाक्ष कर फिर अगले 1 वर्ष से पहले इन दोनों की शादी का कोई योग्य नहीं बन रहा है। पंडित जी उन सभी को गंभीर मुद्रा में पूरी बात बताते हुए बोले, हो जाएंगी सभी तैयारियां बहन जी, 2 महीने का समय भी अच्छा खासा होता है, 1 साल बाद फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। हाँ सही कह रही हैं आप, 2 महीने बाद वाला ही सही है, 1 साल वाला मुहूर्त तो बहुत दूर हो जाएगा। 1 साल बाद वाले मुहूर्त की बात सुनकर रोहिणी जी भी वीना जी की बात पर सहमति जताते हुए बोली, बच्चों को भी बुला लेते हैं शादी की तारीख बताने के लिए। साइना के पिता ने शादी की तारीख तय होते देखकर कहा, बच्चों को तो बाद में भी बता देंगे, अभी हम बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं। राजवीर के पिता उनकी बात पर बोले, हाँ ये भी ठीक रहेगा। साइना के पिता राजवीर के पिता की बात पर सहमति जताते हुए बोले और फिर उन सभी ने आपस में विचार विमर्श और सहमति से 2 महीने बाद वाला मुहूर्त साइना और राजवीर की शादी के लिए तय कर दिया। और फिर कुछ देर बाद सगाई का फंक्शन खत्म करके वो दोनों फैमिली उस गेस्ट हाउस से अपने अपने घर चली गई। सगाई की रस्म खत्म करने के बाद उस दिन काफी रात हो गई थी। दोनों परिवारों को अपने घर पहुंचते पहुंचते और घर के सभी लोग काफी थक चुके थे, इसलिए साइना और राजवीर दोनों के माता पिता ने उन्हें उनकी शादी की तारीख तय होने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सोचकर कि अगले दिन या फिर कभी भी बता देंगे, शादी से जुड़े ज्यादातर काम तो घर के बड़े ही देखते हैं। घर पहुंचकर ज्यादातर लोग तो सो गए थे, लेकिन राजवीर और साइना दोनों ही अपने अपने घरों के कमरों में बैठे जाग रहे थे। साइना अपनी उंगली पर पहनी हुई सगाई की अंगूठी को हाथों से छूकर देख रही थी और सगाई के दौरान जो कुछ भी हुआ उन सभी को दोबारा से याद कर रही थी। अंगूठी उसकी रिंग फिंगर में काफी लूज थी। जैसे ही उसका ध्यान अंगूठी पर गया, उसने रिंग फिंगर से अंगूठी उतार कर मिरर के सामने टेबल पर रख दी। तभी उसकी बहन राइमा कमरे में आई और साइना को रिंग उतारते हुए देखकर बोली, अरे दी क्या हुआ, आपने अपनी एंगेजमेंट रिंग क्यों निकाल दी? एंगेजमेंट रिंग तो कभी निकालते नहीं है ना, ऐसा मम्मा बोलती हैं। हाँ राइमा पता है मुझे भी, लेकिन बहुत लूज है रिंग मेरी फिंगर में, कहीं गिर ना जाए इस वजह से निकाल कर रख दी है, साइना ने बताया। तो आप एक काम करो ना, ये रिंग मिडिल फिंगर या फर्स्ट फिंगर में पहन लो, उसमें भी ज्यादा लूज नहीं होगी, राइमा ने सजेशन दिया। अरे तो क्या हो गया, रिंग निकाल दी थोड़ी देर के लिए, तो बाद में पहन लूंगी, साइना बेमन से बोली। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं दूसरी फिंगर में, बोलते हुए राइमा ने टेबल पर से वो रिंग उठा ली और साइना के मिडिल फिंगर में पहना दी। क्या कह रही है तू राइमा, साइना बोली। आपसे एंगेजमेंट कर रही हूँ दी, राइमा हंसते हुए बोली। पगली कहीं की कुछ भी बोलती है, साइना ने राइमा की बात का जवाब देते हुए कहा। देखो तो दी आपकी मिडिल फिंगर में फिट हो गई ये रिंग, अब नहीं निकालना आप इसे, राइमा जैसे साइना को ऑर्डर देती हुई बोली। ओके नहीं निकाल रही, अब तो सोचा नींद आ रही होगी ना तुझे, साइना उससे हार मानती हुई बोली। आप नहीं सोएंगी दी, राइमा ने उससे पूछा। अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो सो जाऊंगी, बस सुबह जल्दी मत जगाना मुझे और मॉम को भी बोल देना, साइना ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ओके दी अगर आपसे पहले जाग गई तो बोल दूंगी,
अभी गुड नाइट, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है सच में। बोलते हुए रायमा अपने बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में ही सो गई। साइना सोती हुई रायमा को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मन ही मन कुछ उदास हो गई और अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ राजवीर भी सगाई से खुश नहीं था और अपने कमरे में शादी और सगाई के बारे में सोचता हुआ एकदम उदास बैठा था। तभी अचानक से आर्यन उसके कमरे में आया और पीछे से राजवीर के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, बस करो ना भाई, कितना सोचोगे? क्या कितना सोचूंगा मैं? राजवीर को समझ में नहीं आया कि आर्यन किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूछता है। अरे भाई, होने वाली भाभी के बारे में और किस बारे में? कोई और भी है क्या? आर्यन राजवीर की टांग खिंचाई करते हुए बोला, ज्यादा बकवास ना कर, तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मैं क्या सोचूंगा किसी के बारे में? तू तो सब जानता है कि मुझे ये सगाई और शादी ही नहीं करनी थी। बोलते बोलते राजवीर कुछ उदास हो गया। अरे भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। और आप ये क्यों बोलते हो हर बार कि आपको शादी नहीं करनी? आपको पता है, आपकी और भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी साथ में। आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर लगते हो। आर्यन राजवीर को चीयर अप करने की कोशिश करते हुए बोला, सिर्फ शक्ल सूरत और साथ में अच्छा लगने से क्या होता है? आखिर है तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी। और हाँ, ये मेड फॉर ईच अदर जैसा कुछ नहीं होता। राजवीर आर्यन की बात काटते हुए बोला, अरे भाई, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप लोग किस्मत से मिले हो। मॉम बोलती है कि भगवान की मर्जी से हर रिश्ता तय होता है और जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, जैसे कि आपकी और साइना भाभी की बनी है। आर्यन राजवीर की ऐसी नेगेटिव बातों पर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, किस्मत से मिले का क्या मतलब है? ठीक तरह से मिले भी नहीं आज तक हम दोनों एक दूसरे से, ना ही कोई बात हुई, और सच बोलूं तो मुझे करनी भी नहीं है। राजवीर फिर उसी तरह निराशा से बोला, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट शादी के बाद ही मिल लेना भाभी से, वैसे भी 2 महीने की ही तो बात है। आर्यन फिर से उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, 2 महीनों की बात से क्या मतलब है तेरा? राजवीर ने आर्यन से पूछा। अरे, आपको नहीं पता है क्या भाई? आर्यन ने राजवीर से पूछा। लेकिन क्या नहीं पता, पूरी बात बताओ मुझे आर्यन, क्या बोल रहे थे 2 महीने बाद? राजवीर ने आर्यन से पूछा। कुछ नहीं भाई, मैं तो बस आपकी और साइना भाभी की तारीफ कर रहा था, साथ में आप कितने अच्छे लगते हो दोनों, और मॉम भी कह रही थी कि आर्यन बोल ही रहा था कि तभी राजवीर उसकी बात बीच में काटता हुआ बोला, बस कर तुम मॉम के प्रवचन अपनी जुबान में सुनाना मुझे, पहले वो बता 2 महीने बाद मिल लेना, वैसे भी ये क्यों बोला तूने? ठीक है, बताता हूँ, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करो कि आप किसी को नहीं बताओगे कि मैंने आपको ये बात बताई। आर्यन उसके सवाल पर थोड़ा सा सोचते हुए बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं, वैसे भी तेरे अलावा किसी से इतना बात नहीं करता मैं। राजवीर उसकी बात मानते हुए बोला, वो आज सगाई के फंक्शन के बाद मॉम डैड भाभी के पेरेंट्स के साथ बैठकर आपकी शादी की डेट फिक्स कर रहे थे, और मैं कोइंसिडेंटली उधर से निकल पड़ा था, तो मैंने उनकी बातें सुन ली कि आपकी शादी की डेट 2 महीने बाद की फिक्स हुई है। मुझे लगा कि आपको पता होगा, इसीलिए मैंने बात बात में ही आपसे बोल दिया बस। आर्यन क्यूट सा फेस बनाते हुए राजवीर से बोला, What? 2 महीने में मेरी शादी? यार, इतना भी क्या जल्दी है मॉम डैड को, और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं? पूछा छोड़ो, बताया तक नहीं मेरी शादी की डेट फिक्स करने से पहले। राजवीर थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोला, इसका मतलब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था? राजवीर का रिएक्शन देखकर आर्यन बोला, यस ऑफ कोर्स, नहीं पता था, अभी पता चला जब तूने बताया। बाकी मॉम डैड तो इतनी जहमत करते नहीं कि जिसकी शादी है उसी को इन्फॉर्म कर दे। राजवीर हल्के गुस्से में बोला, कूल डाउन भाई,
ऐसा भी क्या हो गया? मॉम डैड ने सोचा होगा कि बाद में आपको बता देंगे, और वैसे भी शादी के लिए हाँ तो कर ही दी है ना आपने, तो फिर शादी एक महीने में हो, दो महीने में हो या छह महीने में, क्या फर्क पड़ता है? आर्यन राजवीर को शांत कराने की कोशिश करते हुए और समझाते हुए बोला, हाँ ये भी ठीक है, अब जब मैंने खुद ही हाँ की है शादी के लिए, तो फिर कभी भी हो क्या फर्क पड़ता है? राजवीर मायूस होते हुए बोला, वैसे भाई सच बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों नहीं करनी थी आपको शादी, और अभी जब हो रही है तो भी आप खुश नहीं हो? मैंने नोटिस किया सगाई के पूरे फंक्शन में आप सिर्फ थोड़ा बहुत हैप्पी थे, वो भी मेरे आने की वजह से, बाकी अपनी सगाई में आपको जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं था। Am I right or wrong? आर्य ने राजवीर की तरफ देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस अब भरोसा नहीं है इन प्यार और शादी जैसे रिश्तों पर, और इसीलिए मैं इतने दिन से मम्मी पापा को टाल रहा था, जब भी मेरी शादी की बात करते थे, लेकिन आखिरकार उनकी जिद के आगे मुझे ही झुकना पड़ा और इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी, नहीं तो मॉम और उनके इमोशनल टॉर्चर तो तू जानता ही है। राजवीर अपनी परेशानी बताते हुए बोला, मॉम को तो मैं जानता ही हूँ और साथ ही मैं आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, लेकिन फिर भी एक एडवाइस दूंगा, अगर आप अपना वही कॉलेज वाला ब्रेकअप लेकर अभी तक बैठे हो तो प्लीज भाई ग्रो अप एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। साइना भाभी से अच्छी वाइफ आपको कभी नहीं मिल सकती। आर्यन फिर से राजवीर को समझाते हुए बोला, ब्रेकअप नहीं था वो सिर्फ मेरे लिए, मेरे प्यार और भरोसे का खून था, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी बेवकूफी थी मेरी जिंदगी की, और उस दिन के बाद भी मैंने तय किया था कि मैं दोबारा कभी इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन लाइफ एंड माय पेरेंट्स हैव अदर प्लान्स फॉर मी। राजवीर मायूस होते हुए बोला, भाई आप प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और हर बार ही गलत नहीं हो लोगों के साथ, हो सकता है जो हो रहा है वही बेस्ट है आपके लिए, थिंक अबाउट इट वंस। आर्यन फिर से राजवीर को समझाते हुए बोला, अच्छा ठीक है ठीक है, बस कर तू मॉम की तरह बात करना, ऐसा लग रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई को समझा रहा है। राजवीर हंसते हुए बोला, छोटा भाई ज्यादा समझदार हो तो थोड़ा बहुत तो समझा सकता है अपने बड़े भाई को भी। आर्यन मजाक में बोला, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है तू हम सबसे दूर रहकर, कहीं कुछ और वजह तो नहीं है समझदारी की? राजवीर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो पहले से ही समझदार हूँ, बस पहले आपका ही ध्यान नहीं गया अपने भाई पर, बोलकर आर्यन हंसने लगा। हाँ अब बस कर अपनी समझदारी की बातें, ये बता तेरी स्टडीज कैसी चल रही हैं और एग्जाम्स कभी हैं? राजवीर ने पूछा। स्टडी सही चल रही है भाई, और नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए वापस इंडिया आपकी शादी से एक महीने पहले ही, फिर हम साथ में शॉपिंग करेंगे आपकी शादी की। आर्यन खुश होते हुए बोला, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तेरा, तो फिर वापस कब जा रहा है तू? राजवीर ने पूछा। दो दिन बाद की ही रिटर्न टिकट है मेरी, आर्यन बोला। आज ही तो तू आया, तो वो भी सिर्फ तीन दिन के लिए, वापस भी जा रहा है दो दिन बाद, और मुझे बताया भी नहीं तूने? राजवीर थोड़ा उदास होते हुए बोला, बस इसीलिए नहीं बताया था, मुझे पता था आप सैड हो जाओगे। आर्यन राजवीर की उदासी समझते हुए बोला, नहीं मैं सैड नहीं हूं, मैं समझ सकता हूँ एग्जाम इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं एक महीने बाद तो आ ही जाएगा, जब तक वेट कर लूंगा मैं। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, इतनी देर में वो शायद पहली बार ही मुस्कुराया होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आज मैं यही सो जाऊंगा आपके रूम में, आर्यन राजवीर से पूछते हुए बेड पर लेट गया। ये भी कोई पूछने वाली बात है, आधी रात से ज्यादा तो बीत गई है, अब तो सुबह भी होने वाली है, नींद आ रही हो तो सो जा तू, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, राजवीर बोला। लेकिन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो राजवीर ने पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखा तो आर्यन सो चुका था। आर्यन को सोता देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा, थक गया होगा, फ्लाइट से डायरेक्ट फंक्शन में आ गया था,
रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। अच्छा हुआ सो गया। और फिर आर्यन को ब्लैंकेट उड़ाकर खुद अपने रूम की बैल्कनी में आकर खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा, शायद उन अनकही बातों के बारे में जो वो आर्यन से भी शेयर नहीं कर पाया था। अगली सुबह साइना नाश्ता करने के बाद अपनी माँ, बहन और भाई के साथ हॉल में बैठी थी, जब उसकी माँ ने उसे बताया कि कल सगाई के फंक्शन के बाद ही उन्होंने राजवीर के माता पिता से बात करके शादी की तारीख पक्की कर दी है। इतना सुनते ही रायमा एक्साइटेड होते हुए अपनी माँ से पूछने लगी, वाओ मम्मी, कब की डेट फिक्स हुई है दी की शादी की? 2 महीने बाद की, साइना की माँ ने जवाब दिया। व्हाट, 2 महीने में शादी? मम्मी इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को मेरी शादी की, और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। पूछा तो छोड़ो, बताया तक नहीं मेरी शादी की डेट फिक्स करने से पहले। 2 महीने बाद अपनी शादी होने की बात सुनकर साइना भी एकदम राजवीर की ही तरह रिएक्ट करते हुए अपनी माँ से बोली, ऐसा भी क्या जरूरी था तुझसे पूछना और बताना, हम सब बातें बड़े ही तय करते हैं। और रही बात 2 महीनों में शादी वाली बात की, तो इतना समय पहले मुझे भी कम लग रहा था शादी की तैयारियों के लिए, लेकिन फिर पंडित जी ने बताया कि अगला शुभ मुहूर्त 1 साल बाद का है, तो हम सबको शादी का 2 महीने बाद वाला मुहूर्त ही ठीक लगा। साइना की माँ उसे पूरी बात बताते हुए बोली, हाँ ये भी ठीक है, अब जब मैंने खुद ही हाँ की है इस शादी के लिए, तो फिर कभी भी हो क्या फर्क पड़ता है, और मेरी मर्जी चलती है कब है, जो मुझसे पूछना जरूरी लगा आप लोगों को। इतना बोलकर साइना हल्के गुस्से में वहां से उठकर चली गई। रायमा साइना के पीछे जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा, रुक जा रायमा, थोड़ी देर अकेले रहने दे उसे, पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़की को, हमेशा ही शादी के नाम से। उधर दूसरी तरफ राजवीर ने अपनी माँ से वही बात पूछी जो कि आर्य ने उसको रात में बताई थी। क्या माँ, आपने मुझे बताया भी नहीं और शादी की तारीख फिक्स कर दी? राजवीर अपनी माँ से बोला, तुझे तो पता चल जाना ही था बेटा, ये कौन सी भला छुपा कर रखने वाली बात है जो तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि हम लोग तुझे बताते ही नहीं। वीना जी ने जवाब दिया, मेरा कहने का मतलब है माँ, ऐसे बाद में पता चले तो फिर क्या फायदा, शादी की तारीख तय करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना। राजवीर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, क्या पूछना चाहिए था हमें तुमसे राजवीर, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए जो सही लगेगा वही करेंगे। राजवीर के पिता मिस्टर शेखावत हॉल में आते हुए राजवीर की बात सुनकर बोले, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था डैड, लेकिन आप लोगों को भला इतनी क्या जल्दी थी शादी की, अभी तो एंगेजमेंट हुई है, कम से कम 6 महीने तो रुक जाते शादी के लिए। राजवीर अपने पिता से बोले, 6 महीने बाद क्यों करनी है तुझे शादी, 2 महीने भी काफी समय होता है, और ज्यादा देर क्यों करनी जब रिश्ता इतना अच्छा है, तुझे लड़की पसंद नहीं है क्या, या फिर कोई और बात है, तू शादी के लिए फिर से मना तो नहीं करने वाला है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग समझ नहीं रहे, मैं बस इतना बोल रहा था कि उस वक्त डिस्कशन में मुझे शामिल क्यों नहीं किया, आखिर मेरी शादी की बात चल रही थी ना। अब तो डेट फिक्स हो गई, कुछ नहीं हो सकता, राजवीर मायूसी से बोला। क्यों नहीं हो सकता, तारीख अभी भी आगे की हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास ठोस वजह होनी चाहिए। लेकिन पंडित जी ने बोला था 2 महीने के बाद शादी का मुहूर्त फिर 1 साल बाद वाला है, इसीलिए हम सभी आपसी सहमति से ये 2 महीने बाद शादी करने को राजी हुए थे, राजवीर के पिता ने उसे पूरी बात समझाते हुए बोला। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि तब भी उसका भाई आर्यन भी वहां पर आ गया। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड, भाई क्या हो रहा है, कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है क्या, मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया, वैसे मैं अभी सो कर उठा, आर्यन बोलते हुए अपनी माँ के पास वाले सोफे पर आधा लेटते हुए बैठ गया। आर्यन की माँ ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा
तुझे कैसे पता चली शादी की तारीख तय होने वाली बात? और अगर पता चल भी गई तो हम लोगों से पहले तूने राजवीर को क्यों बता दिया? अब देख वो नाराज है इसी बात पर। ओ मॉम, मेरा कान छोड़िए, लग रहा है मुझे। और मैंने तो भाई को बस ऐसे ही बता दिया था, आर्यन ने अपनी माँ से अपना कान छुड़वाते हुए कहा। अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ मॉम, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। फॉरगेट इट, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत काम है। आर्यन तो साथ चलेगा? राजवीर ने आर्यन से पूछा। अरे नहीं भाई, अभी मैं ऑफिस कहाँ, 3 दिन की छुट्टी पर तो आया हूँ और वापस भी जाना है। आप अकेले ही जाओ ऑफिस, मुझे आज रेस्ट करना है, आर्यन बोला। तेरा रेस्ट नहीं हुआ अभी तक, दोपहर को सो कर उठा है, वो भी 12 बजे। एनीवे चलता हूँ मैं अब, बाय, राजवीर बोला और इतना बोलकर वहां से चला गया। मॉम, संजू कहाँ है? अपनी बहन के बारे में पूछता हुआ आर्यन बोला। कॉलेज गई है वो, तेरी तरह छुट्टी पर नहीं है ना? आर्यन की माँ हंसते हुए बोली। क्या माँ, चला जाऊंगा मैं भी कल ही, फिर कहाँ रेस्ट करने मिलेगा, नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स है और उसके नेक्स्ट मंथ भाई की शादी, आर्यन मुंह बनाते हुए बोला। हाँ पता है, अब चल नाश्ता कर ले तू भी, फिर रेस्ट कर लेना या अपने दोस्तों से मिल लेना जाकर, वीना जी आर्यन से बोली। ओके मॉम, बोलकर आर्यन अपनी माँ के साथ चला जाता है। उधर दूसरी तरफ साइना अपनी माँ की बात से परेशान होकर गुस्से में अपने कमरे की बैल्कनी में आकर खड़ी हो जाती है और भाव शून्य होकर आकाश की तरफ निहारते हुए किसी सोच में डूब जाती है। तभी उसका फोन रिंग होता है, तो रिंगटोन की आवाज से उसका ध्यान टूटता है और वो अपना मोबाइल फोन इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी साइना को याद आता है कि मोबाइल तो उसके कमरे में रखा हुआ है। वो जल्दी से भागकर कमरे में आती है और मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर देखती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया का कॉल रहता है। साइना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और कॉल रिसीव करके वो बोलती है, हाँ यार श्रेया, भूल क्या हुआ? साइना बोलती है, क्या हुआ, क्या पूछ रही है? कभी तू भी कॉल कर लिया कर, अभी से प्रैक्टिस कर रही है क्या शादी के बाद की, श्रेया नाराजगी जाहिर करती हुई बोली। अरे यार, करती तो हूँ मैं कॉल, और तेरी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। अब बोल, क्यों कॉल किया था? साइना ने पूछा। कब कॉल करती है तू झूठी कहीं की, बता लास्ट टाइम कब किया, श्रेया बोली। अरे यार, अभी कल रात तक तो साथ में ही थे और अभी कॉल करने ही वाली थी कि तुझे तेरा कॉल आ गया, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, साइना श्रेया को समझाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अब बता तूने क्या फैसला किया, श्रेया ने एकदम से सवाल किया। फैसला, लेकिन किस चीज का फैसला, किस बारे में बात कर रही है तू? श्रेया की इन आधी अधूरी बातों से साइना को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, अरे यार कल तेरी सगाई थी और मुझे पता है तू सिर्फ फिजिकली वहां प्रेजेंट थी, मेंटली नहीं और दिल से भी नहीं, श्रेया ने कहा। क्या बोलना चाह रही है तू श्रेया, साफ साफ बोलना, साइना ने भी अब सीधे से पूछ लिया। तू अच्छी तरह से समझ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, श्रेया बोली। क्या करना है, समझ कर या ना समझ कर भी, साइना मायूस होती हुई बोली। क्या हुआ, ऐसी क्यों बोल रही है तू, श्रेया ने पूछा। यार तू तो सब जानती है ना कि मैं इस रिश्ते को और ना ही सगाई को ही अपना पाई हूँ अभी तक, और मेरे मम्मी पापा ने कल रात में शादी की तारीख भी तय कर दी, साइना ने श्रेया को बताया। वाओ, क्या बोल रही है यार तू, मैरिज डेट फिक्स हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, श्रेया एक्साइटेड होते हुए बोली बिना साइना की बात समझे कि साइना दुखी होकर उसे ये बात बता रही थी। श्रेया की बात सुनकर और एक्साइटमेंट में खुशी वाली आवाज सुनकर साइना को गुस्सा आ गया और वो उसी तरह गुस्से में बोली, शादी की बधाई लेने के लिए तुम्हें ये बात नहीं बता रहे, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और तुम खुश हो रही हो। ओह अच्छा यार, सॉरी मैं खुश नहीं हूं, बस थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। तुम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है,
तुमको शादी की तारीख तय होने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? श्रेया ने पूछा। सब तो जानती हो तुम यार, फिर क्यों बार बार ऐसे अनजान बनती हो? साइना थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली। जितना हम जानते हैं हमारे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम ही आगे नहीं बढ़ना चाहती हो तो कोई क्या करे इसमें? हम तो कितनी बार तुम्हें समझा चुके हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, श्रेया उसे समझाते हुए बोली। बस करो यार, तुम हमें समझाना, हमारी शादी की तारीख तय हुई है और वो भी हमें बिना बताए, हमसे किसी ने नहीं पूछा, तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ना? साइना बोली। अरे यार, वो सब तो बड़े लोग ही तय करते हैं ना, और तुमने हाँ करी थी इस रिश्ते के लिए, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है, तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, श्रेया ने कहा। हाँ कि नहीं थी यार, करनी पड़ती है फैमिली की वजह से, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शादी को कभी अपना पाऊंगी और अमन की जगह किसी और को दे पाऊंगी। बोलते बोलते ही साइना की आवाज भारी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यार साइना, प्लीज तो अपसेट ना हो, मैं जानती हूँ तेरा और अमन का रिश्ता सबसे खास था, इसीलिए उसकी जगह पर किसी और को सोचना भी तुझे दुखी करता होगा, लेकिन तो हमेशा उसकी यादों के सहारे तो नहीं जी सकती ना, इसीलिए इस रिश्ते को भगवान का एक इशारा समझकर एक मौका दे यार, एक नए नजरिए से सब कुछ स्वीकार करके देख, श्रेया एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। पता नहीं यार, अमन क्यों चला गया मुझे छोड़कर, उसके बिना मैंने अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर कुछ इमेजिन ही नहीं किया था, कभी जो कुछ भी था सब उसके साथ ही था। बोलते बोलते साइना रोने लगी। डोंट क्राई यार, चुप हो जा। अच्छा ठीक है, हम दोनों इस बारे में बाद करते हैं, श्रेया बोली। ओके, बाद में ही बात करते हैं, अभी मन नहीं है। इतना बोलकर साइना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद श्रेया ने उसे कई बार दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन साइना ने कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद राइमा साइना के कमरे में आई और उससे पूछने लगी, आर यू ओके दी? राइमा को ऐसे अचानक अपना हालचाल पूछता देख साइना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साइना पहले अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई उसके सवाल के जवाब में एक और सवाल करती हुई बोली, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा, और तू ऐसे क्यों पूछ रही है? राइमा साइना के करीब आकर बैठती हुई बोली, वो क्या है ना दी, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो आप बहुत देर से अपने रूम में ही हो, मॉम से बात करने के बाद से ही, और दूसरी बात आप श्रेया दी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो, तो मुझे कॉल करके आपके बारे में पूछ रही थी। ये श्रेया ना पागल है पूरी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उससे कॉल पर बात हुई थी मेरी, फिर भी तुझे कॉल कर दिया उसने, राइमा की बात सुनकर साइना बोली। अच्छा, अभी आप रो रहे थे क्या दी? राइमा ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा। नहीं, मैं तो सो रही थी, जरा आंख लाल हो गई है मेरी बस, साइना बहाना करते हुए बोली। आप मुझसे शेयर कर सकते हो दी, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको बुरा लग रहा होगा ना जो मम्मी पापा इतनी जल्दी कर रहे हैं आपकी शादी के लिए, है ना? राइमा बोली। हाँ बस थोड़ा सा, कुछ महीनों बाद होती शादी तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो जाती, इतनी सी बात मम्मा पापा को समझ भी क्यों नहीं आती, साइना अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हुई बोली। लेकिन दी, ज्यादा दिन तक शादी टालने में एक रिस्क भी तो है ना, राइमा एकदम सीरियस होते हुए बोली। रिस्क? लेकिन कैसा रिस्क? साइना को कुछ समझ नहीं आया तो वो राइमा से पूछने लगी। इतने हैंडसम जीजू और दामाद मेरे और मम्मी पापा के हाथ से निकल जाएंगे ना, राइमा हंसते हुए बोली। और दीदी की भी फिक्र कर लो थोड़ी, पागल कहीं की कुछ भी बोलती है, साइना उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोली। अरे दीदी सच में,
जीजू है तो बहुत हैंडसम और आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर लगते हो, राइमा एक्साइटेड होती हुई बोली। अच्छा बस कर, होने वाली जीजू के नाम की माला जपना और श्रेया को कॉल करके बता दे कि मैं ठीक हूँ। और चल अब नीचे चलते हैं, नहीं तो बेवजह मॉम गिल्टी फील करेंगी, साइना बोली। आप सच में ठीक हो ना दी? दरवाजे से बाहर निकलते हुए राइमा ने पीछे मुड़कर साइना की तरफ देखकर पूछा। हाँ मेरी दादी अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब क्या लिख कर दूँ या फिर तुझे मारूँ, तब यकीन आएगा तुझे, साइना बोली। अरे ये हुई ना बात, अब आ गया मुझे यकीन, इतना बोलकर वो दोनों हंसते हुए वहां से चली गई। उधर दूसरी तरफ से संजना कॉलेज से अपने घर आती है और राजवीर के बारे में पूछती है, तब भी आर्यन उससे कहता है, भैया की चमची मुझे भी याद कर लिया कर कभी, मैं भी तेरा भाई हूँ। इस पर संजना उससे कहती है, राजवीर भैया और तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, और तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है, वापस नहीं गया अपने कॉलेज? चला जाऊंगा कल ही, आर्यन उदास होते हुए कहता है। हाँ तो फिर आ जाएगा ना एक महीने बाद, ऐसे बंदर जैसा मुंह क्यों बना रहा है, संजना उसे चिढ़ाते हुए बोली। अपने माता पिता और परिवार वालों की खुशी के लिए राजवीर ने साइना से शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन दिल से तो वो भी कभी इस शादी को अपना नहीं पाएगा और इसकी वजह वो ऑफिस में अपने कैबिन में अकेला बैठा हुआ सोच रहा है और अपनी सभी पुरानी यादों को याद कर रहा है।